तो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेन रनर आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री एंड आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर अध्याय अलेवनवाध्याय द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ये पूरा चैप्टर जो है हमारा वो अट्ठारह सौ की क्रांति पे बेस्ड होने वाला है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारी चीज़ों को पढ़ेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरुआत करेंगे कैसे ये जो रेबेलियन है एज ए म्यूटनी ब्रोकआउट होती है मेरठ कंटोनमेंट से देन कैसे इसको क्रश किया जाता है कैसे पोर्ट्रे किया गया सारी चीजों को देखेंगे एंड ये चैप्टर अगेन ये वीडियो हमारी वन शॉट होने वाली है इसमें हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे आपकी सुविधा के लिए हमने टाइम स्टैम्प लगा दिया है जिसमें कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को जाके देख सकते हैं बार बार आके देखें रिविजन करने के लिए भी एंड इस चैप्टर का क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्विज का लिंक वहां से इस चैप्टर के क्विज को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने रिविजन को स्ट्रेंडर करने के लिए फर्दर टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आई विड रिकमेंड कि आप उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि ना केवल इस चैप्टर के नोट्स बल्कि और भी सारे चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं नाउ एक बार इस चैप्टर के जितनी भी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है उसका एक बार ले लेते ले हैं तो हम शुरुआत करेंगे पैटर्न ऑफ रेवेलियन ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन सेवेलियन है वो कैसे शुरू होता है देन वी विल डिस्कस द रिवोल्ट इन अवध पूरी चीज़ें जब हम डिस्कस कर चुके होंगे कि पैटर्न क्या था लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे लीडर्स कौन कौन थे खाली वाले लीड, लीड कर रहे थे या ऑर्डिनरी पीपल भी इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे उसको देखेंगे देन वी विल डिस्कस द रिवोल्ट इन अवध क्योंकि अवध में ही ये रिवोल्ट सबसे ज्यादा इंटेंस था रीजन क्या था अवध में इतना ज्यादा इंटेंस रिवोल्ट होने के एंड अवध में कैसे चीज़ें कैरी आउट होती हैं उसको देखेंगे क्योंकि अवध में ना लगभग हर एक लोग हर एक तबका चाहे वो आर्टिस्टन हो चाहे वो तालुकदार हो चाहे वो सिपोईस हो चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो पीजेंट्स हो सारे ही लोग रिवोल्ट में थे रीज़न भी देखेंगे सारे लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण थे अपने अपने पर्सपेक्टिव थे उसके बाद द विजन ऑफ रिबल्स वॉट द रिवल्स डिमांडेड आउट ऑफ दिस रिवोल्ट की वो इस रिवोल्ट से चाहते क्या थे आखिर ये भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर जुड़ी हुई है एंड दे आर बेसिकली अगेंस्ट द स्टैब्लिश अथॉरिटी तो वो कुछ रीजन से होंगे वहाँ पे उसको देखेंगे देन रिप्रेशन ऑफ रिवोल्ट की जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश अथॉरिटी वो ज़्यादा दिनों तक इस रिवोल्ट को नहीं चलने देती है लास्ट में इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया जाता है उसको भी देखेंगे एंड देन दोटरल ऑफ दिस रिवोल्ट की रिवोल्ट को पोर्ट्रेल कैसे कहलाता है ब्रिटिश ऑथर कैसे लिखते हैं फॉरन ऑथर कैसे लिखते हैं हमारे इंडियन ऑथर कैसे लिखते हैं नेशनलिस्ट लोग कैसे इसको पब्लिश करते हैं कैसे उसको पोर्ट्रे करते हैं सारी चीजों को देखेंगे सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे नाव शुरुआत करते हैं एक बार इस चैप्टर के कॉन्टेंट्स के साथ डीप में देखते हैं कि किन किन चीजों को हमें पढ़ना है किन किन चीजों पर हमें डिस्कस करनी है सो द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस चैप्टर शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ की चीजें कैसे घटती है घटनाओं का एक कहानी के रूप में घटनाक्रम को जानेंगे

जो अपवाहें थी एंड जो भविष्यवाणियां करी गई थी उनका क्या रोल था बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसको देखेंगे देन रिवोल्ट इन अवध अवध में हमने देखा आप सेंटर भाई तो इस पे सबसे ज्यादा रिवोल्ट यही हो रहा था क्यों हो रहा था कितने लोग किसके दृष्टिकोण से इस रिवोल्ट में शामिल थे उसको देखेंगे Then, विजन ऑफ के क्या चाहते थे आखिर देन रिप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट रिवोल्ट को कैसे क्रश किया जाता है डबल अटैक किया जाता है डिप्लोमेसी भी यूज करी जाती है माइट मिलिट्री माइट भी यूज करा जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ भी यूज करा जाता है देन पोट्रायल ऑफ दिस रिवोल्ट इस रिवोल्ट को कैसे पोर्ट्रे किया गया देन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लास्ट में कुछ छोटे मोटे जो टर्म्स है जो कि वन मार्कर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेंगे हम कहानी के फॉर्म में इंट्रोडक्शन तारीख थी दस मई अट्ठारह मेरठ यहाँ पे आप मैप ऑफ इंडिया देख सकते हैं दिल्ली के ठीक नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है हमारे मेरठ यूपी में पड़ता है आजकल तो मेरठ कैंटोनमेंट में जो तो सिपॉइज से बेल को कैप्चर कर लेते हैं बिल ऑफ आर्म्स एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है बिल ऑफ आर्म्स एक स्टोर रूम आप समझे जहां पे एम्यशन रखे जाते थे असला बारूद रखे जाते थे सिपाई जो थे उसको कैप्चर कर लेते हैं अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिपाही किसको कहते थे तो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश मिलिट्री में जो इंडियन सोल्जर्स काम करते थे चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो सारे ही लोगों को सिपाही कहा जाता था सारे ही लोगों को सिपाही कहा जाता था, था यहीं से टर्म सिपाही टर्म निकला क्योंकि देखे सिपाही वो थोड़ा सा उनका मेनिपुलेटिव फॉर्म था क्योंकि मोस्टली जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सिपाही ही थे वो ऑफिशियल रैंक तक कभी गए नहीं थे कोई भी इंडियन रियरली ऑफिशियल रैंक तक जा पाता था क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ही ऐसा था तो ज्यादातर जो लोग होते थे वो सोल्जर्स ही होते थे ज्यादातर जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे चाहे वो रॉयल ब्रिटिश नेवी हो या आर्मी हो एयरफोर्स के जमाने में होता नहीं था तो वो सारे लोग सिपोई ही थे तो सिपोई कैप्चरमेंट बेलो, बेलो स्टोर रूम होता था उसको कैप्चर कर लिया गया सारी चीजों को आग लगा दिया गया देन फर्दर दे मूव ऑन टू अटैक द वाइट पीपल और ब्रिटॉन्स सबसे पहले जब बेलो फार्म को कैप्चर किया गया उसके बाद जो वाइट ऑफिशियल्स थे उनको अटैक किया गया एंड ब्रिटोन को भी अटैक एटा, किया गया ब्रिटोन मतलब क्या होता है जो ब्रिटिश सिविलियन यहाँ इंडिया में रह रहे थे अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ऑफिशियल ऑन द और द आर्मी कमांडर जो यहाँ ट्रेडर्स थे नॉर्मल सिविलियंस थे उनको हम ब्रिटॉन कहते हैं ऐसे ब्रिटिश ओरिजिन के लोग जो है ट्रेड करने आए थे मेरे लिए देन उनको अटैक किया गया ये सारी चीजें क्यों करेगी उसको आगे चल के देखेंगे सो so इस तरीके से घटनाक्रम शुरू होता है दस मई अठारह सौ सत्तावन मिनट कंटोनमेंट में सबसे पहले वेलो फार्म को कैप्चर किया जाता है फिर अटैक लॉन्च होते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इवन बिटोन बिटॉन्स पर जो कि ब्रिटिश सिविलियंस को कहा जाता था जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग यहाँ रहते थे बिजनेस करते थे या छोटे मोटे कलर के पोजिशन पर काम करते थे उसको हम बिटोन कहते थे नाउ डिस्ट्रॉड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स द स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कोर्ट्स को टारगेट किया गया कलेक्टोरेट्स को टारगेट किया गया सेक्रेटेरिएट्स को टारगेट किया गया जो कचैरीज होती थी जेल होते थे उन सबको टारगेट किया गया एंड एवरी थिंग वो वॉज गेटिंग डिस्ट्रॉइड टेलीग्राफ लाइन वॉज ऑल्सो कट जो टेलीग्राफ लाइन था उसको भी काट दिया गया क्यों क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो आपस में संवाद ना कर सके आपस में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो इस तरीके से घटनाक्रम दस मई अट्ठारह को होता है उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्यारह मई अट्ठारह एक दिन बाद क्या होता है सिपाहियों का एक दस्ता जिन्होंने की बहावत करी थी वो लाल किला पहुंचता है दिल्ली पहुंचता है यहाँ पे आप सिपाहियों का एक दस्ता देख सकते हैं दे अराइव एट रेड फोर्ट ये जो महीना था रमज़ान का महीना था उस ज़माने में हमारे आखिरी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह फ़र शहरी का वक्त था वो अगले रोजे के लिए तैयार हो रहे थे तो ये सिपाही का दस्ता जाता है बहादुर शाह फ़र के सामने एंड अंदर घुसता है रेड फोट में एंड कहता है कि हमारे साथ जाति हो रही है हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है बेसिकली क्या हो रहा है हिंदूज को जो हिंदू सोल्जर्स है उनको कहा जा रहा है कि आप ऐसे कारतूस को चबाएं जिनमें की गाय के चर्बी की कोटिंग लगी हुई है एंड मुस्लिम जो सोल्जर्स है उनको कहा जा रहा है कि आप ऐसे चर्बी को चबाएं जिनमें की सुअर की चर्बी की कोटिंग लगी हुई है बहादुर शहर पर कुछ रिप्लाई दे पाते हैं बहादुर शजफर कुछ सोच पाते इससे पहले एक और सिपाही का दस्ता बड़ी धमक के साथ कोर्ट एटिकेट एंड एटिक्तरम को तोड़ते हुए सीधे दरबार में घुसता है बहादुर शाह फर बहुत एस्ट्रॉड की ऐसी जरूरत छोटे छोटे सिपाही के दस्ते ने कैसे करी कि रेड फोर्ट की सारे सिक्योरिटीज़ एंड सारे एटिक्विट्स सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए सीधे दरबार में घुस गया हालांकि ये जो सिपाही का दस्ता था दूसरा वाला जो आया था वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट था उन्होंने कहा बहुत शाह र से कि अब सोचने का समय नहीं है आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार हम ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे उनको इंडिया से बाहर निकाल देंगे बहादुर शाह जफ्फर मजबूर थे क्योंकि उनके बाद ये डिसाइडेड था कि अब कोई किंग नहीं बनेगा सारे लोग प्रिंस स्टेटस uh, से ही नाम नाम जाने जाएंगे सो बहादुर शाह बाद अफर बेसिकली बेसिकली लास्ट मुगल किंग ये पहले ही ऑथराइज्ड हो गया था उसके बाद बहादुर शाहफर के पास कोई चॉइस भी नहीं है उनके पास ही बेसिकली वॉज वेरी फ्रांड ऑफ दिस मदरलैंड तो वो भारत से बहुत प्यार करते थे एंड ऊपर से वो त्रस्त आ चुके थे क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं हुआ बहादुर शाहफर अफर बहुत वेरी वीक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे मिलिट्रीली एंड पॉलिटिकली पॉलिटिकली तो कोई पावर है नहीं सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के हाथ में एंड मिलिट्री भी इनके पास कुछ बची नहीं है तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अगर इनको अपने मदरलैंड को वापस से रिकैप्चर करना था ब्रिटिश के हाथों से छुड़ाना था तो सिपॉयज का साथ इनको देना ही था सिपॉयज इनको मना लेते हैं एंड बहादुर शाह जफर वॉज देन इलेक्टेड एज द नॉमिनल हेड ऑफ लोगों को पता चले कि इस बगावत के जो नेता हैं वो बहादुर शाह जफर है तब तो भारी मात्रा में लोग आके इस रिबोल्ट से इस म्यूटनी से जुड़ते हैं एंड तभी ये म्यूटनी रिवोल्ट बनती जाती है पहले तो सिपाहियों ने बगावत की फिर जब बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित किया गया तो बहुत सारे लोग आके जुड़ने लगते हैं क्योंकि बहादुर शाह जफर वॉज द मुगल अंपायर ऑफिशियली तो अंपायर वही थे ना मुगल वही थे एंड मुगल वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी लोग उनको सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे रिगार्डलेस ऑफ ऑफ द इन्फ्लुएंस ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का जितना भी इन्फ्लुएंस हो लेकिन मुगल्स को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे एंड मुगल्स ने आफ्टर आप कह लें कि यहाँ इस इंडिया को अपना मदरलैंड भी समझा था एंड उस हिसाब से काम भी करते थे तो so, सिंपथी भी थी बहादुर सरफर का नाम जुड़ते ही इस म्यूटनी से धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं एंड दैट बेसिकली एक्सपैंड इन टू रेबेलियन और रिवोल्ट तो इस तरीके से घटनाक्रम हुआ अब बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं हाउ द म्यूटिन बिगेन वट वाज द रीजन एंड किस तरीके से इसको कैरी आउट किया जाता है लीडर्स कौन कौन थे लाइफ ऑफ कम्युनिकेशन क्या था कैसे रेबल्स आपस में कम्युनिकेट करते थे क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑफिशियल मीनस का सहारा तो नहीं ले सकते टेलीग्राफ यूज नहीं कर सकते जो तार है पत्र है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी चीज़ें ब्रिटिश रेगुलेट करते हैं तो उनके प्लान्स का स्ट्रैटी का पता चल जाएगा सो शुरुआत करते हैं बेसिक रीजन बिगिनिंग ऑफ द म्यूटनी म्यूटनी आके शुरुआत कैसे होती है म्यूटनी की द पैटर्न ऑफ रेबेलियन उसमें देखते हैं बेसिक रीज़न क्या था सबसे पहला बेसिक रीजन हमने देख लिया जो सिपॉइज आके शाह जफर को बोलने की सरकार हमारे साथ क्या किया जा रहा है हमें एक खास प्रकार की राइफल दी गई है यहाँ पे जो बंदूक है उसमें जो गोली लगती है कारतूस है इसमें क्या कहा गया है इसमें ना जो कार्ट्रिज होती है उसमें गाय एंड सुअर के चर्बी की कोटिंग लगाई गई है एंड अगर हिंदू गाय की चर्बी की कोटिंग से लगे कारतूस को मुंह से खोलेंगे मुंह से खोलना मतलब वो जो राइफल था उसके कारतूस को मुंह से ही खोलना पड़ता था तो अगर हिंदूज गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को चबा के खोलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा इसी तरीके से अगर मुसलमान सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से चबा के खोलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा सो टू टू ओबे द ऑर्डर वॉज टू करप्टर रिलीजन की अगर हम इस आदेश को मानते हैं जो कि हमारे सुपीरियर्स ने दिया है तो हम बेसिकली अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे होंगे सो दिस इज वेरी अनजस्टिफिएबल फॉर बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ये हमारा बेसिक रीजन है इसके फैक्ट को भी हम चेक करेंगे कि आखिर बात क्या थी ये जो बात कही जा रही है कि ये जो काटरेज है उसमें का, गाय एंड सुअर की चर्बी की कोटिंग लगाई गई है ये, ये सही है या अफवाह है इसको आगे चल के हम फैक्ट चेक करेंगे नाव इस तरीके से इस रीज़न के बिनाद पे uh, म्यूटनी की शुरुआत होती है मेरठ कंटोनमेंट में उसके बाद क्या होता है हाउ द म्यूटनी बिगेन ये तो रीज़न था बेसिकली देन हाउ डिड द म्यूटनी बिगिन तो इसमें आप सबसे पहले समझेंगे कब शुरू होता है दस मई अट्ठारह को सिपॉइस क्या करते हैं म्यूटनी लॉन्च करते हैं ट्रेडिशनल सिंगर्स के साथ ट्रेडिशनल सिंगर्स क्या होता था जब वर्ड लॉन्च किया जाता था जब बगावत होते थे तो बिगुल बचाया जाता था सो दे बेसिकली लॉन्च द म्यूटनी विद बिगुल विद इवनिंग गन्स इवनिंग गन्स मतलब जो दुश्मन का झंडा होता है उसको झुकाया जाता है एंड गोलीबारी कर जाती है आसमान में सो so इस तरीके से इवनिंग गन्स और बिगुल के तरह आप कहें तो बगावत की शुरुआत करेगी एंड इसने सिपाहियों ने बगावत की शुरुआत करते ही अपना इंटेंट जता दिया था कि छोटी मोटी बगावत नहीं होने वाली है इसके इसकी जो असर है वो मेरठ से शुरू हुई है तो बंगाल तक पहुंचेगी बंगाल से पंजाब पंजाब से लाहौर लाहौर से बलोचिस्तान ना उसके बाद देखें तो सिपॉइस क्या करते हैं कोर्स ऑफ द इवेंट में सबसे पहले बेलो फार्म्स को कैप्चर करेंगे हमने देखा भी था बेलो फार्म्स फार्म एक स्टोर रूम है जिसमें कि सारे एमिनेशन सारे हथियार रखे हुए हैं हथियार लूट लिए जाते हैं बाकी सारी चीजों को आग लगा दिया जाता है दे बेसिकली लूटेड द ट्रेजरी वो खजाने को लूटते हैं देन दे बेसिकली डिस्ट्रॉयड द गवर्मेंट बिल्डिंग्स गवर्मेंट बिल्डिंग्स में जेल्स आते थे रिकॉर्ड ऑफिस जहां भी सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती थी देन द कलेक्टोरेट दे पोस्ट ऑफिस एक्सेस्ट्रा टेलीग्राफ ऑफिस सारी चीजों को तबाह कर दिया जाता है जो भी ब्रिटिश जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सबको तबाह करेंगे उसके बाद आगे चल के जब म्यूटिनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है सिपाहियों ने हमारे कह तो बादशाहफर को अपना नेता घोषित कर दिया है तो उसके बाद वो और भी जनता को अपील करने के लिए सिपाही तो आके ज्वाइन कर ही रहे थे बाकी सिविलियंस को इस म्यूटनी से जुड़ने के लिए वो इश्तहार छापते हैं सो so, प्रोक्लेमेशन डाले गए दीवारों पे चिपकाए गए प्रोक्लेमेशन परेशियन में लिखे जाते थे उर्दू में हिंदी में हिंदी उर्दू समय नॉर्थ इंडिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज होती थी पर्शियन इसलिए क्योंकि मुगल कोर्ट की जो मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज थी दैट वॉज पर्शियन सो so, उर्दू को भी आप देखेंगे तो वो पर्शियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सो so, पर्शियन उर्दू एंड हिंदी में प्रोक्लेमेशन डाला गया इश्तहार डाला गया एंड कहा गया लोगों को कि आप खास करके हिंदू एंड मुस्लिम को कहा गया कि आपका अभी समय आ गया है कि आपको यूनाइट होकर फिरंगियों को एक्सटर्मिनेट करना यानी कि उसको भगाना है सो so, अभी हिंदू एंड मुस्लिम को अपने आपसी झगड़े बुला के यूनाइट होना है देन दे विल फाइट देन वी विल फाइट विद द ब्रिटिश एंड वी विल अल्टीमेटली एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज फ्रॉम आवर लैंड एंड हम अपने भूमि को हम अपने जमीन को आज़ाद करवाएंगे तो इस प्रोक्लेमेशन से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं एंड जैसे जैसे ये आगे चल के लोग जुड़ते गए वैसे वैसे ये जो म्यूटनी है वो रेबेलियन में तब्दील होती गई रेबेलियन एंड म्यूटनी में क्या फर्क होता है आगे देखते हैं छोट म्यूटनी में तो आप समझे कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर है उसको हमने डिफाई कर दिया उसको हमने डिसोबे कर दिया जैसा ये ऑर्डर था कि आपको ये जो चर्बी से बने हुए कारतूस उसको चबाने पड़ेंगे इसको अगर हमने डिफाई कर दिया तो दैट इज बगावत कोई एक स्पेसिफिक रीजन के चलते हमने किसी बड़े ऑर्डर की अवेल ना कर दी किसी बड़े ऑर्डर को मानने से मना कर दिया रेबेलियन मतलब जब बहुत बड़ी जनता किसी स्टैब्लिड अथॉरिटी को हटाने के लिए जनसंघर्ष करती है तो यही हुआ ना जब सिपोवाइज धीरे धीरे प्रोक्लेमेशन डालते हैं बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया जाता तो बहुत सारे सिविलियंस भी आते हैं एंड नाउ उनको प्रॉब्लम थी कि सिपाही गाय की चर्बी या सो की चर्बी से बने हुए कारतूस चबा रहे उनको प्रॉब्लम थी अपने अपने प्रॉब्लम थे सारे ही लोग ब्रिटिश द्वारा सताए गए थे क्योंकि सत्रह से अठारह को तो एक सौ साल हो चुके थे इस बीच तो दबा के ऑपरेशन हुआ था दबा के सपरेशन दमन किया गया था प्लेशन किया गया था तो सारे ही लोग अलग अलग दृष्टिकोण से एक गोल के लिए स्ट्राइव करते हैं एक गोल क्या था कि ब्रिटिशर्स को हटाना है हमें जो स्टैब्लिश अथॉरिटी है उनकी उनको हटाना है वी वॉन्ट स्वराज हमें फ्रीडम चाहिए तो ये जैसे जैसे रिवोल्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं लोग ब्रिटिशर्स को ही नहीं बल्कि सारे ही सिंबल ऑफ ऑपरेशन को सिंबल ऑफ ऑपरेशन मतलब जो भी शोषणत्म लोग थे शोषणात्मक कम्युनिटी थी उनको अटैक करना शुरू कर देते थे अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड पीपल स्टार्टेड अटैकिंग द मनी लेंडर्स जो बनिया होते थे सूदखोर बनिया जो कि परेशान करते थे उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया गया जो रिच मर्केंट्स होते थे जो परेशान करते थे गरीबों को उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया गया सो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को जैसे लोग सिंबल ऑफ ऑपरेशन मानते थे वैसे ये लोग भी लोगों को अप्रेस करते थे अब चूंकि बहुत सारे सिविलियन सिपोइस बीच में जुड़ गए थे तो सिपोइस का जो रीजन था वो बहुत छोटा पड़ गया था क्योंकि अब हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट गोल प्राइमरी गोल ये था कि हमें ब्रिटिशर्स को हराना है एंड हमें हर उस सिंबल ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ अटैक लॉन्च करना है जिसने हमें 100 डेढ़ सालों तक परेशान किया है सो इन दैट वे मनी लेंडर्स इलीड्स रिच मर्केंट्स वेर बींग अटैक्ट बाई द रेबल्स क्योंकि वो एक तो ऑपरेशन के सिंबल देखे जाते थे वो माने जाते थे कि ये भी हमें करते है, करते हैं हैं जैसा ब्रिटिशर्स एंड ऑफन आप देखेंगे तो मनी लेंडर्स रिच मर्केंट एंड बड़े बड़े जो एडवेंट जमींदार होते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी खूब बनती थी वो ब्रिटिशर्स के अलाय माने जाते थे तो इसलिए भी लोग उनको अटैक करते थे सो so, इस तरीके से आप देखेंगे तो धीरे धीरे दिस म्यूटनी हैड नाउ अ रेबेलियन नाउ एक बार म्यूटनी एंड रेबेलियन के डिफरेंस को समझ लेते हैं तो डिफरेंस बिटवीन म्यूटनी एंड रेबेलियन दियर इज म्यूटनी म्यूटनी मतलब क्या होता है कि म्यूटनी खासतौर पर आर्म फोर्सेस के संदर्भ में यूज किया जाता है ये वर्ड मतलब सेना में अगर किसी ऑर्डर का डिफाइंस हो रहा है कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों ने कलेक्टिवली सोचा कि हम फलाने ऑर्डर को नहीं मानेंगे जैसा कि यहाँ हमने देखा कि सिपाही जो मिलट कैंटोनमेंट में कुछ सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया इस चर्बी को मुंह से खोलने से तो ये म्यूटनी है एंड जब ये म्यूटनी धीरे धीरे फैल गई बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया प्रोक्लेमेशन डाले गए सिविलियंस जुड़ते गए मनी लैंडर्स एंड रिच मर्केंट्स को अटैक किया गया फिर उसके बाद ये जो म्यूटनी है अब रेबेलियन में तब्दील हो गई थी रेबेलियन मतलब जब लोग साथ मिलकर जनसंघर्ष करते हैं एक स्टैब्लिश अथॉरिटी को हटाने के लिए एक अथॉरिटी या पावर को हटाने के लिए यहां पे देखें ब्यूटी में क्या था कि हम भैया वो जो सुअर की चर्बी से बने हुए काट रहे थे उसको मुंह से नहीं खोलेंगे लेकिन रेबेलियन में क्या था जैसे जैसे लोग जुड़ते गए देन द प्राइमरी गोल वॉज टू अप्रूट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें ब्रिटिशर्स को फरंगियों को इस देश से भगा के निकालना है सो दैट वॉज अडियो उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं सो so अब सवाल आता है कि रेबल आखिर कम्युनिकेट कैसे करते थे हाउ डिड दे कम्युनिकेट Now सबसे पहला जो साधन था कम्युनिकेशन था दैट वॉज थ्रू ए स्पाइस बहुत ही चुपचाप गुप्त तरीके से स्पाइस के थ्रू जासूसों के थ्रू वो कम्युनिकेट किया करते थे अगर आपने नैटी मेडी मूवी देखी होगी जो पहला पार्ट है तो उसमें जो घोष्ट है वो ब्रिटिशर्स का स्पाई होता है ऐसे ही रेबल्स के भी अपने अपने स्पाइस हुआ करते थे नाव दूसरा जो साधन था दैट वॉज यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके बुक में सोर्स दिया हुआ है तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर थे सीतापुर के उनका नाम था फ्रांसिस हसैन वो एक बार क्या करते हैं इंडियन आउटफिट में जाते हैं बिजनौर इंडियन आउटफिट में सहारनपुर जाते हैं सॉरी सहारनपुर जब जाते हैं मजिस्ट्रेट से मिलने तो वो रास्ते में कहीं पे बैठे थे वहां पे एक मुस्लिम तहसीलदार बिजनौर का जो कि आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है तो वहां से वो मुस्लिम तहसीलदार आता है मुस्लिम तहसीलदार उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है क्योंकि ये इंडियन आउटफिट में थे तो वो समझता है कि ये भी कोई रेबल है जो अवध से आया है सीतापुर अवध में पड़ता था तो ये मुस्लिम तहसीलदार उनसे पूछता है कि वॉट अवज़ फ्रॉम अवध वो सोचता है कि ये एरेबल है और जासूस है तो उससे पूछता है वो जो मुस्लिम तहसीलदार था वो पूछता है कि अवध से क्या खबर है तो फ्रांसिस हुसैन समझ गए थे कि अगर हम इस तहसीलदार को ये बोलेंगे कि आई एम नॉट द यू नो रेबल आई एम द पुलिस इंस्पेक्टर तो अभी ये मारे जाएंगे इसीलिए फ्रांसिस इसलिए uh, यू you नो know, चालाकी से कहते हैं कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है सरकार अभी अवध में बहुत सही चल रहा है जब आपकी जरूरत होगी तब हम आपको तलाक करेंगे बाद में पता चलता है कि जो मुस्लिम तहसीलदार था दैट वॉज बेसिकली द रेबल लीडर ऑफ बिजनौर द बिजनौर का रेबल लीडर वो मुस्लिम तहसीलदार था सो so, इस तरीके से इस के थ्रू बातें होती थी देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पंचायत हेल्ड की आदत है बड़े बड़े शहरों में कानपुर में आप देखेंगे अवध के भी कुछ शहरों में रात में सीक्रेटली पंचायत हेल्ड की जाते थे सिपॉइस की जिसमें कि इंडियन सिपॉइज होते थे अलग अलग कंटोनमेंट के वो फैसला करते थे कि आगे हमें किस तरीके से इस रिवोल्ट को कैरी आउट करना है तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि सारी चीजें सिपोइज खुद करते थे जो उनका नेटवर्क स्पाइस नेटवर्क था स्पिनर नेटवर्क था उसको भी खुद ही रेगुलेट कर रहा है वो पंचायत भी खुद ही हेल्ड कर रहा है तो इस तरीके से ये जो रेबल ये जो रिवोल्ट है उसके क्रिएटर भी वही है उसके रेगुलेटर भी वही है सो हे वी कैन से दैट द दिपोइज वेयर द मेकर ऑफ दियर ओन रेबेलियन की उन्होंने अपने रेबेलियन को खुद बनाया किस तरीके से ब्यूटी नहीं ब्रोकआउट हुई फिर किस तरीके से आगे फैसले लिए जाएंगे उसको लेकर पंचायत हेल्ड होते थे कम्युनिकेशन बैठा जाता था स्पॉइस के थ्रू वी कैन से दैट द वेयर द मेकर ऑफ दियर ओन रेबेलियन नाउ अगली जो चीज है दैट इज अब इतना बड़ा रेबेलियन था मास्टर्स जुड़ चुकी थी भारी मात्रा में जब बहादुर शाह जफर का नाम आता है तो आंख बंद करके लोग इस रिवोल्ट से जुड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि हमारे सरकार अगर किसी खास पर्पज के लिए जुड़े हैं तो वो बड़ा पर्पज ही होगा सो so, लीडर्स कौन कौन थे इस रिवोल्ट के लीडर्स कौन कौन थे उनको देखते हैं सो so, रिवोल्ट इतना बड़ा हो चुका था कि अ लीडरशिप वॉज नीडेड टू ऑर्गेनाइज द रेबेलियन एंड अलग अलग जगहों पर हो रहा था दिल्ली में हो रहा था लाहौर में हो रहा था लखनऊ में हो रहा था कानपुर में हो रहा था आप कहें तो बंगाल में हो रहा था बिहार में हो रहा था सो अ टाइट लीडरशिप वॉज नीडेड टू ऑर्गेनाइज द रेबेलियन एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि ये रेबेलियन अंत में अनसक्सेसफुल हो जाता है ये कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज लीडर आपको नहीं मिलेगा आगे चल के जब हम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल सी कि महात्मा गांधी के रूप में एक सेंट्रलाइज लीडर था हमारे पास नेशनलिस्टिक uh, मूवमेंट में लेकिन इस अठारह के रिवोल्ट में वी डि नॉट हैलाइज अथॉरिटी वीड द रेबेलियन लेकिन कुछ कुछ रीजनल लीडर्स उनको हम देखते हैं तो फ्यू लीडर्स वेर इन्फ्लूशियल पीपल शुरुआत में क्या होता है रबस जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास नवाबों के पास राजाओं के पास जमींदारों के पास कि आप आएँ एंड रिवोल्ट को लीड करें क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा यू नो प्रेस्टीज हुआ करती थी सो आप यहाँ पे एक टेबल देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रीय लीडर्स हैं उनको देख रहे हैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे नॉमिनली बहादुर शाह जफर तो पूरे रेबलियन के ही लीडर थे क्योंकि ऐसा यू नो प्रोक्लेम किया गया था कि बहादुर शाह जफर को जब हम फिरंगे को हटा देंगे यहाँ से तो बहादुर शाह जफर को हम अपने देश का बादशाह फिर से नियुक्त करेंगे कानपुर में नाना साहब कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से लड़ रही थी बेगम हजरत मह जो कि

कुर सिंह बेचारे जमींदारों के लिए लड़ रहे थे तो यहां पे आप देखेंगे तो सब लोग लड़ तो रहे हैं बट एक कॉमन काउज नहीं है नेशनलिस्टिक मूवमेंट में आप ठीक उल्टा देखेंगे सारे लोग लड़ रहे हैं एंड नाना साहब खुश हो जाते अगर उनको मिल जाता अगर उनको, उनके बाई को अधिकृत नहीं किया जाता तो आई एम नॉट डाउटिंग उनका इंटेंशन जरूर ब्रिटिशर्स से लड़ने का था लेकिन सारे के ही अपने माइंड अलग अलग थे ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे पास उस टाइम अथॉरिटी नहीं थी दैट्स वाई वी फेल्ड इन दट रिवर्ट अट्टीमेटली सफर देन नाना साहब पेशवा देन हमारे ये नाना साहब पेशवा आपके वो बाजरा मस्तानी वाले नहीं है ये उसके बहुत बाद आते हैं देन रान लक्ष्मी बाई हमारे पास बेगम भरत महल एंड देन कुंवर सिंह अफारा तो दीज वेर लीडर्स ऑफ रिवोल्ट आपको एक चीज के आश्चर्य होगा कि इस रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन को न केवल इन्फ्लुएशियल पीपल लीड कर रहे थे ना केवल इनफ्फ्लुएशियल लोग लीड कर रहे थे बल्कि बहुत सारे ऑर्डनरी लोग भी बहुत सारे आम लोग भी लीडर्स बनकर इस रिवॉल्ट में सामने आते हैं उनको आगे चल के देखते हैं सो ऑर्डनरी मेन एज लीडर ऑफ़ रिवोल्ट ऑर्डनरी पीपल एज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट न केवल बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े ज़मींदारों ने बल्कि बहुत सारे आम लोगों ने भी इस रिवोल्ट को अलग अलग जगह पर लीड करा था एक एग्जाम्पल है शामल का शामल आपका बरौट का इलाका है यूपी में वहाँ से लीड कर रहे थे गुरु एक सिंग क्षेत्र है आपका झारखंड में वहाँ से गुरु बेसिकली आदिवासी लीडर थे वो वहाँ से लीड कर रहे थे देन हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी मौवी अहमदुल्ला शाह हैदराबाद से पढ़े हैं फिर अवध में आके वो फिर तकरीर देते हैं एंड यहां पे लोग उनकी बातें सुनना शुरू करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह बेसिकली फॉर्ज फ्रॉम अवध एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह ने तो एक बैटल ऑफ चिन्हट हुआ था अट्ठारह की जून को देखें मई में हमारा रिवोल्ट न्यूटनी बेसिकली लॉन्च हुआ धीरे धीरे वो रिवोल्ट हो ही गया था एंड मई जून या जुलाई के भी फर्स्ट हाफ तक ये जो रेबल्स थे बहुत ही ज्यादा डोमिनेट थे यानी कि ब्रिटिशर्स वेयर स्ट्रेंड उन वो स्टेंट हो गए थे कि आखिर हो क्या रहा है बिकॉज इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतने भारी मात्रा में लोग हमारे खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चूंकि थी के पास कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो थी नहीं एंड उनके पास कोई बैकअप फंडिंग भी नहीं थी उसके बाद ब्रिटिशर्स हालांकि रि इनफोर्समेंट मंगाते हैं फिर धीरे धीरे रेबल्स को क्रश किया जाता है लेकिन इन तीन ढाई महीनों तक ब्रिटिशर्स वेयर वेर वेरी स्ट्रॉनिश्ड एंड दे कुड नॉट फाइट बैक वो वापस फाइट बैक नहीं कर सकते थे रेबल्स वेयर डोमिनेटिंग हम आगे चल के देखेंगे रेबल्स एक अल्टरनेट गवर्नमेंट भी बना लेते हैं रेबल्स इतनी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे कि उनको लगता था कि अब तो दस पंद्रह दिन में हम ब्रिटिशर्स को निकाली देंगे तो हम एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करते हैं ऑफिशियल्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था उन्होंने दैट वॉज हाउ द रिवोल्ट एंड दैट वॉज हाउ ऑर्डिनरी पीपल ऑर्डिनरी मेन लीड द रिवोल्ट दैट शामल लीड फ्रॉम द बरूट आप गुरु देख ले जो आदिवासी लीडर है वो सिंहभूम से लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ल शाह अवध की एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ ऑडियंस को लीड कर रहे थे सो दैट अ अनारियो उसके बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस रिवोल्ट में जो र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज थी उनका क्या रोल था अफवाहें एंड भविष्यवाणियों का क्योंकि ये रिवोल्ट आगे चल के हम देखेंगे इस स्लाइड में कि रिवोल्ट रूमर्स के बेस्ड पे ही आगे बढ़ा था सो दैट अ यू कैन सी रियूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंगेजिंग ऑर्डिनरी पीपल टू द रेबेलियन क्योंकि ऑर्डनरी पीपल अफवाहें पे या आप कहें तो भविष्यवाणी पे ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा विश्वास करते थे आज भी उस जमाने में भी एंड एक बहुत खास तौर पे एक फैक्ट चेक हम करेंगे रोल्स ऑफ र्यूमर एंड प्रोफेसीज में कुछ एग्जांपल देते हैं सबसे पहला तो हमारा जो तो प्राइमरी रीजन था इस रिवोल्ट का कि भाई गाय एंड सुअर की चर्बी की कोटिंग लगाई गई भी या नहीं इसको देखते हैं तो सबसे बड़ा र्यूमर यही था ये एक्चुअली फैक्ट चेक अभी तक नहीं हुआ था रेवेलियन हो रहा है फिर भी अभी तक किसी को पता नहीं है कोई श्योर नहीं है कि सही में चर्बी पे सही में काटरेज में गाय एंड सुअर की चर्बी लगाई गई है या नहीं इसीलिए हम इसको रियूमर्स ही मानते हैं रियूमर इसलिए मानते हैं इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये हमारे हेनरी हार्डिंगे हैं यही उस टाइप की जो आपकी खास तौर पर राइफल होती थी जिसमें ये कारतूस कहे गए हैं कि उसमें गाय एंड सुअर की चर्बियों से बने हुए कारतूस हैं तो ये ऐसी टाइप की राइफल्स यही इंट्रोड्यूस करते हैं इस राइफल की इस टाइप के राइफल्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती थी तो उन्होंने सोचा कि लड़ाइयों में युद्धों में ज़्यादा आसान रहेगा लेकिन बाद में रियूमर ऐसा फैला कि इस राइफल्स में जो कारतूस यूज़ कर जाते हैं गोलियाँ यूज़ कर जाती है उसकी जो कार्टरेज है टॉप हिस्सा है उसमें गाय एंड स्वर के चर्बी की कोटी लगी हुई है अब र्यूमर कहां से निकलता है इसके बारे में भी आपके बुक में लिखा हुआ है बात कुछ दरअसल ये है कि एक हमारा दमदम में कैंटोनमेंट था सेना था। वहाँ पे एक जो खलासी है निजी जात का खलासी था शायद शूद्र होगा तो वो जाके सिपाही से पानी पीने के लिए मांगता तो सिपाहीज चूंकि उसके पास पानी था फिर भी वो पानी देने से मना कर देता ओनली बिकॉज कि वो लो कास्ट का था उस जमाने में डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी आगे चल के महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे कि गांधी जी ने कुछ सोशल रिफॉर्म पर काम किया तो एबोल्यूशन ऑफ़ अनटचेबिलिटी उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज में से एक थी तो वो पानी देने से मना कर देता तो ये जो दमदम में खलासी था ये बेसिकली एज ए टाउं या गुस्से में आके या कहते स्पोन्टेसली जवाब देता है कि अभी तुम मुझे पानी पिलाना नहीं चाह रहा हो क्योंकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है लेकिन तुम जो रोज ये आ, गाय एंड सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को चबाते हो तब तुम्हारा धर्म नहीं भ्रष्ट होता क्या ये उसने एज ए स्टैंड स्टैंड रिस्पॉन्स के रूप में कहा था के रूप में एंड ये जो स्पार्क है ना ये जो र्यूमर था ये जो स्टेटमेंट था धीरे धीरे एक डाउट के रूप में क्रिएट हुआ एंड र्यूमर के रूप में कैंटोनमेंट टू कैंटोनमेंट छावनी टू छावनी फैलता गया लास्ट में मंगल पांडे शुरुआत करेंगे रिवोल्ट की एंड ये जो म्यूटनी है लास्ट में शुरू होगी ऑफिशियली मेरठ कंटोनमेंट में जो बगावत है वहां से सो दैट वॉज द फर्स्ट र्यूमर की काउ एंड पिक के फैट की चर्बी काटरेज में लगी हुई एंड

आप ये कॉम्युनैलिटी देखेंगे मुस्लिम्स को अपील करें हिंदू को अपील करें दोनों ही कम्युनिटीज को अपील किए जाने वाले रिमर्स फैलाए जा रहे हैं ताकि ये दोनों कम्युनिटीज एक होकर क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ें स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें तो एक तरीके से रेबल्स इस रेबेलियन को क्रूशेड का भी रूप देने की कोशिश कर रहे थे धर्म युद्ध का कि मुसलमानों को अपना धर्म भ्रष्ट होने से बचाना है तो लड़ाई लड़े जिहाद हिंदुओं के लिए धर्म युद्ध है सो दैट वॉज एंगल ऑफ दिस रेबेलियन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक प्रोफेसी है बहुत ही स्ट्रेंज प्रोफेसी किसी ने कड़ी थी कि जो तेईस जून सत्रह को हमारा बैटल ऑफ लासी हुआ था तो इसी तरीके से जून 17, 17, को जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इसी तरीके से कोई बाबा या फकीर ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि तेईस जून अठारह सौ तावन को जब ये सौ साल हो जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी के तब ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कोई हरा देगी कोई पावर आके एंड उनको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये जो भविष्यवाणी हैं एंड इस भविष्यवाणी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया लोगों को इस रिपोर्ट में जो आ रहे थे उनको लगा कि सौ साल होंगे हमें थोड़ा दिन और रिवोल्ट करना है थोड़ा दिन और लड़ना है उसके बाद तेईस जून को तो ये तो बाहर जाने ही वाले हैं दैट अ वॉरियो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो र्यूमर्स हैं एंड हैं ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड एंड बहुत स्टूपिड लगते हैं तो लोगों ने इनको कैसा बिलीव कर लिया रीज़न बेसिकली ये है रीज़न ये है कि ये जो हमारा एरा था एटीन ट्वेंटीज़ के बाद से जब विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं ब्रिटिश इंडिया के तो वो क्या करते हैं कुछ कुछ सोशल रिफॉर्म करना शुरू करते हैं आप देखेंगे तो विडो मैरिज की तरफ काम किया जाएगा बाल विवाह को रुकवाने के लिए काम किया जाएगा क्षति प्रथा को बंद करवाने के लिए कुछ कुछ बढ़िया खराब चीज़ों को रोकते हैं दैट वॉज वेल एंड गुड एंड कुछ कुछ बढ़िया चीज़ों पर भी वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं सो so ये जो सोशल रिफॉर्म का एक सीरीज आया था ना इसको इंडियन पीपल बहुत ही सस्पेक्टेड निगाहों से देखते हैं उनको लगता है कि ये ब्रिटिशर्स ना हमारे ऊपर रूल करने तो आई हैं बल्कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ करने भी आए हैं दे आर बेसिकली हेयर टू मैनिपुलेट आवर कल्चर इसको लेके इतना ज़्यादा डर का माहौल बना था कि ये जो प्रोफेसिज एंड र्यूमर्स हैं वो लोगों के अंदर रीवर्ड हो गई लोगों के अंदर इकोड होने लगी मतलब लोग उस पर विश्वास करते थे क्योंकि वो डर का माहौल था एंड डर के वहाँ में आप देखेंगे तो रियूमर्स एंड प्रोफेसिज़ एंड जो झूठी फेक न्यूज़ है आप देख सकते हैं आज के ज़माने में फेक न्यूज़ कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है किसी भी मामले को एक्जैट करने में या यू नो एनहैंस करके बताने में एंड बहुत ही ज़्यादा मामलात हो जाते हैं मर्डर हो जाता है फलानी चीज़ें हो जाती है सो इस तरीके से अमिज द ऑल द फियर एंड दिस बिलीफ सिस्टम क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था इंडियंस का उन्होंने इस तरीके से सोशल रिफॉर्म जो किया विलियम बेंटिक ने उसमें बहुत सारे इंडियन पीपल इंडियन लीडर्स भी शामिल थे रजड़ा मोहन राय हो गए हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर गए तो कुछ चीजें अच्छी भी थी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो बेहतर था लेकिन उनको भी हस्त... उनमें भी छेड़छाड़ करेगी तो लोगों ने इसको एज अ मेनिपुलेशन ऑफ दियर कल्चर ले लिया जब वो सोचने लगे कि हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है चाहे वो हिंदुस्टिक कल्चर हो चाहे वो इस्लामिक कल्चर हो तो अब एक डर का माहौल हो गया डर एंड सस्पिशन का देन द पीपल बेसिकली स्टार्टेड टू डाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इस तरीके से जो रूमर्स एंड प्रोफेसीज है जब डर के माहौल में हमने आपको बताया कि फेक न्यूज़ बहुत ज्यादा काम करती है अफवाहें बहुत ज्यादा काम करती है प्रोफेसीज ने बहुत ज्यादा काम किया एंड इस तरीके से लोग इस प्रोफेसीज एंड रूमर्स पे मानते थे एंड रिवोल्ट में भारी मात्रा में भारी तादाद में लोग जुड़ते गए अगली चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की हमने ये देखा रिवोल्ट किस तरीके से शुरू होता है म्यूटनी कैसे ब्रोकआउट हुई मेरठ में देन वी डिस्कस द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देन वी डिस्कस की हाउ जो ये म्यूटनी थी वो हाउ म्यूटनी टर्न आउट द रेबेलियन की वो एक रेबेलियन में कैसे तब्दील हो जाता है देन वी डिस्कस द लीडर्स ऑफ़ दिस रिवोल्ट हमने देखा कि बहुत इन्फ्लूशियल लोग भी इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे एंड ऑर्डिनरी पीपल भी इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे हमने रूमर्स रु, एंड प्रोफेसिस के रोल को भी देखा अब बारी आती है इस रिवोल्ट का जो एपिस सेंटर था हमारा इस रिवोल्ट का कहे तो मेन हमारे कहे तो जैसे भूकंप का होता है ना एक मेन क्षेत्र तो ऐसे ही इस रिवोल्ट में सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट देखें आप कहें तो पेशावर से लेकर बंगाल तक रिवोल्ट हो रहा था छोटे मोटे मात्रा में हर जगह हो रहा था लेकिन हाँ साउथ इंडिया थोड़ा सा छूटा था बाकी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटेंस जो इलाका था दैट दैटवाज अवध जो कि आज का लखनऊ अलाहाबाद आजमगढ़ के इलाके आते हैं सो ये सारे अवध में आते हैं अयोध्या के इलाके सो ये सारे अवध में आते हैं नाउ अवध में रिवोल्ट इसलिए इतना इंटेंस था क्योंकि अवध की जनता में हर एक कम्युनिटी को एक कारण था इस रिवोल्ट में जुड़ने का चाहे वो तालुकदार हो उनके पास भी रीजन था पीजेंट्स हो उनके पास भी रीजन था आर्टिशन हो जो नॉर्मल कलाकार है वो भी रिवोल्ट में शामिल थे जो गाना बजाने वाले थे वो भी रिवोर्ट में शामिल थे जिनको सितार बजाना आता है वो भी तलवार लेके खड़े थे सो दैट सबके पास एक एक रीजन था उसको देखते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा अवध की हिस्ट्री को जानते हैं बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले अवध के साथ एक सब्सिडरी अलायंस होता है जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक संधि वो साइन करी जाती है अट्ठारह में सहायक संधि साइन करी जाती है अठारह सो में शायद अवध तीसरा ऐसा राज्य था सहायक संधि साइन करने वाले ब्रिटिश के साथ उससे पहले शायद मैसूर एंड निज़ाम ने किया था हैदराबाद के फाइव नॉट रॉक तो अवध वॉज द थर्ड स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स अब आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है कि वॉट इज सब्सिडरी अलायंस की सहायक संधि क्या थी तब आप अवध की पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे तो यहाँ पे आपके ही बुक में एक सोर्स दिया हुआ है जिसमें कि आप सहायक संधि के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं सहायक संधि एक टूल था जो कि लॉर्ड वेलीजली ने सत्रह में अपने शासनकाल के दौरान इस टूल को इंट्रोड्यूस करा था टूल में क्या था ब्रिटिशर्स देखें, दो तरीका अपनाते थे, थे किसी भी राज्य को अपने कब्जे में लेने का एक तो थ्रू वॉर कि सीधे लड़ाई छेड़ दें, जो कि हमने देखा मराठा के साथ किया गया या मैसूर के साथ होता है दूसरा था डिप्लोमेसी एक तो लड़ाई दूसरी टैक्टिक्स, कूटनीति डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी में क्या था एक टूल था अलायंस में में क्या है कि लड़ाई लड़ो हरा दो उसको कब्जे कर लो उस पे अपना यू you नो know, प्रभुत्व स्थापित कर दो अलायंस एक टूल था डिप्लोमेटिकली किसी राज्य को कब्जे में करने का इसमें क्या होता था ब्रिटिशर्स किसी राज्य से अगर सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं लाइक अवध से अगर ब्रिटिशर्स सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहे हैं तो तीन चार प्रोविजन होते थे सबसे पहला प्रोविजन कि ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि देखो अवध को कहेंगे कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त है मेरा जो दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है मेरा जो दोस्त है वो तुम्हारा दोस्त है तुम्हारा जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स अवध को किसी भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है बाहर से आई हुई आर्मी अफगान की हो मराठाओं की हो दो आर्मी जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी अवध को दैट अफगान की आर्मी शब्दाली एंड मराठा दोनों बहुत पावरफुल आर्मी थी एंड इंटरनल थ्रेट मतलब जो अंदर में आंतरिक रेबेलियन हो गया जनता ने विद्रोह कर दिया महंगाई को लेकर कुछ घटना हो गई मर्डर मर्डर हो गया तो विद्रोह हो गया इन दोनों ही चीजों में हम तुम्हें हम तुम्हारे साथ हैं कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता तब भी हम तुम्हें बचाएंगे एंड इंटरनल थ्रेट होता है रेबेलियन होता तो उसको भी हम क्रश करने में तुम्हारी मदद करेंगे अवध ने कहा बहुत बढ़िया अवध ने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा तो कहता है तुम्हें बस एक चीज़ है चीज़ है तुम्हारे तुम्हारे एक चीज चीज करनी बहुत छोटी देखो हम हम लिए लिए इंटरनली रिवोल्ट को क्रश करेंगे हम तुम्हारे लिए बाकी पावर से लड़ेंगे अगर अफगान अटैक करता है तो उससे लड़ेंगे मराठा अटैक करता तो उससे लड़ेंगे तो, तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली तुम्हें हमारी कंटोनमेंट्स को अपना रखना है जो कि जरूरी भी अगर अटैक होगा तब अगर हम वहां मौजूद ही नहीं है तो कैसे तुम्हें बचा पाएंगे तो तुम्हें मेरी एक कंटोनमेंट को एक कंटेजमेंट जो होती है आर्मी की एक टुकड़ी उसको रखना पड़ेगा अपने यहाँ अवध ने कहा कि रख लेंगे फिर अवध को कहा कि ये जो कंटेंजेंट है उसका सारा खर्चा मेंटेनेंस का सैलरी वगैरह तुम्हें दोगे अपने कॉफर से अपने खजाने से हम नहीं देने वाले सो so, अवध वॉज रिक्वायर टू पे ऑल द मेंटेनेंस फीस ऑल द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सैलरीज वगैरह ऑफ दिस कंटेंजेंट जो कि उनके यहाँ यू नो स्टेशन किया गया था उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ये सारी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल है उसके बाद क्या कहा ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो अवध तुमने जब हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा एक रेजिडेंट ट मतलब एज ए समझे एक मेरा रिप्रेजेंटेशन करने वाला तुम्हारे कोर्ट में हमेशा रहेगा मेरा एक रेजिडेंट अगर आज के टाइम में कह तो अंबेसडर होते हैं हाई कमिश्नर होते हैं वैसे उस जमाने में रेसिडेंट होते थे मेरा एक रेसिडेंट तुम्हारे राज्य में हमेशा रहेगा उसका काम क्या है कि हमारे हितों की रक्षा करना ब्रिटिश इंटरेस्ट की रक्षा करना एंड तुम्हें क्या करना है तुम्हें हमारे resident, तुम्हें हमारे रेजिडेंट से पूछे बिना किसी भी फॉरन अफेयर्स पे फैसला नहीं लेना है ना वॉर वेज करना है किसी एंटिटी से लड़ाई शुरू कर देनी है माने मराठा से लड़ाई शुरू करनी है तो पहले रेसिडेंट से हमारी इजाजत दो इजाजत लो मान लीजिए तुम्हें सदिया से लड़ाई शुरू करनी है तो हमारे रेसिडेंट से इजाजत लो इसी तरीके से

पहला प्रोविजन आप देखिए तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि हम तुम्हें सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे अब जब नवाब को यह पता चल गया था कि अगर बाहर से अफगान मराठा अटैक करेंगे तब भी ब्रिटिशर्स हमें बचा लेंगे एंड अंदर अगर कोई रिबेलियन होगा तब भी ब्रिटिशर्स बचा लेंगे तो ये जो नवाब थे अवध के ये अब लग गया प्लेजर एक्टिविटी में ये गाना सुनते थे मुजरा देखते थे पेंटिंग्स देखते थे नाच गाना शराब पीते थे मुर्गा खाते थे काम धंधा कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट है तो भी ब्रिटिश देख लेंगे अगर इंटरनल थ्रेट है तो भी ब्रिटिश देख लेंगे सो दैट मेड द नवाब अज वेरी केयरलेस तो नवाब इस तरीके से बहुत ही केयरलेस होते गए धीरे 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 एंड लास्ट के जो नवाब है हमारे वाजिद अली शाह वो तो अगर कहें तो भारतीय इतिहास की हिस्ट्री में अगर सबसे केयरलेस शासक अगर कोई हुआ होगा तो, तो दैट वॉज वाजिद अली शाह दरवाजी लिखता है इसके बारे में वाजिद अली शाह के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि ये जो शासक है बहुत ही स्ट्रेंज है ये सुबह सुबह उठता है मुर्गा खाता है दरबार में जाता है गाना बजाना देखता है रात को आके सो जाता है ना तो इसके यहाँ पॉलिटिक्स की बातें होती है ना तो इसके राज्य में इकोनॉमिक्स की बातें होती है ना तो इसके राज्य में वॉरफेयर मिलिट्री की बातें होती है ना तो इसके राज्य में ना तो इसकी कोर्ट में स्ट्रैटी की बातें होती है सिर्फ गाना बजाना ठुमका मुजरा यही सब होकर रात को ही सो जाता है सो दैट वॉज हाउ केयरलेस द नवाब ऑफ अवध वेयर एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डलहौजी कहता है कि ये जो अवध है ना ये हमारे लिए एक चिड़ी है जो कि सीधे हमारे मुंह के ऊपर लटक रहा है ये धीरे धीरे हमारे मुंह में अंदर जाएगा एंड ये अपने आप ही हम इसको कब्जा कर लेंगे हमें कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा एंड अली शाह अल्टीमेटली आप कहें तो एक मौका भी देते हैं यहाँ पे आप देखें तो ब्रिटिशर्स जो है अट्ठारह तक आते आते साड़ी की साड़ी टेरिटेज जो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़े से पीच कलर में तो ये सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के द्वारा तो कब्जाई जा चुकी है पंजाब यहाँ पे देख ले पंजाब प्रोविंस बना दिया यूनाइटेड प्रोविंस हो गया ये आप इधर बंगाल देख लें इधर बिहार के इलाके मध्य प्रदेश के इलाके ये मराठाओं का भी बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने छीन लिया था तो इंडिपेंडेंट 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 अगर ना कहता है तो ऑटोनमस बहुत कम इलाके थे राजपुतान के इलाके हैदराबाद के इलाके कुछ इधर मैसूर के इलाके हो गए फिर बीच में इधर जो बंगाल उड़ीसा का इलाका था ये था नेपाल के इलाके सो ये सारे ऑटोनमस थे बाकी मेजर यू नो पोर्शन ऑफ इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अब एक चीज़ आपको जानी जरूरी है ब्रिटिशर्स 1856 तक जब पहुंच चुके हैं तो उनको लग गया था कि ये जो अली शाह है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसको शासन करना नहीं आता दिन रात ये गाना बजाना सुनता है दिन रात मुजरा देखता, तुम, देखता है तो इसलिए अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा

पोइट्स को पैसा मिलता था आर्टिशंस को पैसा मिलता था कुक्स को पैसा मिलता था रिटेनर्स ऑफिशियल जो होते थे स्टाफ जो होते थे कोर्ट के उनको पैसा मिलता था ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं थे मिलिट्री ऑफिशियल्स कुछ नहीं थे जो भी थे बस गाने बजाने वाले लोग थे इन सारे लोगों की नौकरी चली गई क्योंकि डलहोरी तो भाई इंटरटेनर है नहीं कि वो बैठ के या मुझे देखेगा सो इन सारे लोगों की जब नौकरी चली गई इन सारे लोगों को स्टारवेशन के कगार पर छोड़ दिया गया वो भुखमरी से मर रहे थे एंड जब वाजिद शाह को एग्जाइल में भेजा जाता है तो बहुत सारे अवध के लोग सड़कों पे आ जाते हैं देवर बेसिकली मोर्डिंग द एग्जाइल ऑफ दियर नवाब वो रो रहे थे वाजिद शाह के एग्जाइल पे ऐसा बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमारी बॉडी ने सोल को छोड़ दिया हमारी सोल ने बॉडी को छोड़ दिया है कि द सोल हैज ग्रोन आउट ऑफ द बॉडी कि जो आत्मा है वो शरीर के बाहर जा चुकी है यानी वाजिद अली शाह अगर अवध में नहीं रहेंगे तो अवध में ऐसी स्थिति होगी जैसे कि एक शरीर है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है सो तो इस तरीके से अवॉइड स्प्रिड ग्रिफ बॉस देयर चूंकि वो वाजिद शाह को एग्जाइल पे डाल दिया गया था और बहुत सारे लोग वाजिद शाह के पीछे पीछे जाते भी है उनका काफिला बहुत बड़ा बड़ा जाता है अल्टीमेटली वाजिद शाह को कलकत्ता में रिस्टोर किया जाता है वहाँ पे भी वो अगेन मुजरा देखते थे शराब पीते थे ठुमका देखते थे बस खत्म कहानी सो द होल सिटी वॉज इन शॉक की वाजिद अली शाह को जब एग्जाइल में डाला गया एंड जब वो छोड़ के जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा कारवा बनता उनके पीछे एंड कलकत्ता फिर उनको एग्जाइल में डाल दिया जाता है उनके राज्य को एनेक्स कर लिया जाता है बहरहाल बाद में उनकी जो वाइफ हैं बेगम हजरत महल वो क्लेम भी करती हैं अपने लड़के को बिठाते भी हैं एज अ नवाब फिर वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे अब ये देखते हैं कि इनके पास रीज़न था आर्टिशर्स के पास रीज़न था पोइ्स के पास रीज़न था म्यूजिशिय म्यूजिशियस के पास रीज़न था, था कुक्स के पास रीज़न था कि वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है क्योंकि वाजिद अली शाह को कोर्ट से बेदखल करके उनको एग्जाम में डाल दिया गया कलकत्ता में नाव अब बाकी के जो इंपॉर्टेंट लोग थे तालुकदार की कम्युनिटी थी पीजेंट्स थे एंड सिपॉइज थे जो अवध के वो आखिर क्यों अवध में अवद रिवोल्ट में अवध के रिवोल्ट में शामिल होते हैं उसको देखते हैं सो so, अवध का रिवोल्ट इंटेंस इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सारे ही कम्युनिटी के लोग शामिल थे सबके अपने अपने रीजन थे हमने देखा कि म्यूजिशियंस क्यों शामिल है पोइट्स क्यों शामिल है आइडिशन क्यों शामिल है ऑफिशियल्स क्यों शामिल है कुक्स क्यों शामिल है क्योंकि उनको अन्प्लॉयड बना दिया गया है अब उनकी कोई जरूरत है नहीं कोर्ट में क्योंकि डलहौजी ने जब एनेक्स किया है तो वहाँ पे गाना बजाना तो होगा नहीं गुजरा तो होगा नहीं दैट वॉज अ सैनडियो अब कुछ कम्युनिटीज थी तालुकदार्स की आप कहें तो पीजेंट की सिविलियंस की अब बड़े बड़े ज़मींदार जो थे एंड जो आपके सिपाहीज अवध के वो भी बहुत भारी मात्रा में अवध के रिवोल्टे पार्टिसिपेट करते हैं सो पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग फिरंगी राज एज द एंड ऑफ दियर वर्ल्ड नाउ बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज लो, के लोग ऑल क्लासेज ऑफ पीपल इन अवध वेर इन द रिवोल्ट कलेक्टिवली दे बेसिकली रेबल्ड कलेक्टिवली पीजेंट्स हो तालुकदार्स हो सिपॉइस हो सबके पास अपना अपना रीजन था सबके रीजन को देखते हैं सबकी ग्रीफ्स को देखते हैं सबके प्रॉब्लम्स को देखते हैं सबसे पहले तालुकदार्स तालुकदार बेसिकली एक कम्युनिटी है तालुकदार का मतलब क्या होता है उसके लिए आपको इस वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा दैट इज़ तालुक ताल्लुक मीन पीस ऑफ लैंड एक ज़मीन का टुकड़ा एंड जो ज़मीन के टुकड़े को होल्ड करता है जो ज़मीन के टुकड़े का मालिक है दैट इज़ बेसिकली दालुकदार तालुदार मीन द पर्सन हु होल्ड द लैंड सो ताल्लुकदार के पास क्या रीज़न था घुसने का तालुकदार तो बेसिकली बहुत दिनों तक एज एन इंटरमीडियडीज काम कर रहे थे वो तो अंग्रेजी हुकूमत को हेल्प कर रहे थे तो वो आखिर क्यों अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो रीज़न बेसिकली ये है कि अवध में जो तालुकदार से बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे जैसा हमने बंगाल में जमींदारों को देखा था वैसे ही अवध में तालुकदार हुआ करते थे तो इन द अवध ालुकुकदार्स वेयर डिसआर्म्ड एंड देयर फोर्स वेर डिस्ट्रॉइड उनके पास बड़ी बड़ी प्लेटूस हुआ करती थी मतलब उनके अंदर बड़ी बड़ी सेना की टुकड़िया हुआ करती थी छोटे छोटे तालुकदार के पास भी 200 लड़के हुआ करते थे एज ए सोल्जर्स एंड बड़े बड़े तालुकदार के पास तो 1200-1300 सोल्जर हुआ करते थे इतनी बड़ी बड़ी कहे तो आर्मी लेके ये लोग रहा करते थे एंड उनके किला हुआ करते थे इनकी हवेलियाँ हुआ करती थी जब ये एनएक्स कर लिया गया अवध को तो डलहौजी ने सारे ही तालुकदार मतलब मोस्टली तालुकदार को डिस कर दिया कहा कि आपको इस दो सौ की दो सौ सोल्जर्स की जरूरत नहीं है ना ही आपको बंदूकों की जरूरत है ना ही आपको फोर्स की जरूरत है आप नॉर्मल घर में भी रह सकते हैं उनके फोर्स को डिस्ट्राइक करा गया

पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट क्योंकि हमने देखा था कि तालुकदार बहुत दिनों तक इंटरमीड के रूप में काम कर रहा है ब्रिटिश सत्ता को हेल्प कर रहा है तो आखिर क्यों आखिर क्यों वो समरी सेटल आखिर क्यों रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन में पार्टिसिपेट करेंगे उसका रीजन है समरी सेटलमेंट समी सेटलमेंट अठारह सौ छप्पन था में लगाया गया ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो अवध में किसानों की खराब हालत है इसके पीछे तालुकदार जिम्मेदार है वही बेचारे ज्यादा पैसा खाते हैं एंड किसानों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं देते खेतों पर कुछ खर्चा नहीं करते इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है तो समरी सेटलमेंट में क्या होता है कि जितने भी तारुकदार हैं मोस्टली सारे ही लोगों से जमीनों का हक लिया जाएगा एंड अब कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा यानी कि किसान जो है डायरेक्टली ब्रिटिश कॉफर में अपने टैक्स को जमा कराएगा सो बेसिकली समरी सेटलमेंट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन रिमूव मिनी तारुकदार फ्रॉम देयर लैंड होल्डिंग जो उनके दादा परदादा एंड जनरेशन ने होल्ड करके रखी थी उन सारे जमीनों को उनसे छीन लिया जाता है एक ही झटके में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड बहुत ही ज़्यादा एम्बेसिंग इवेंट था इसको लेके तालुकदार्स फिर रिवोल्ट को ज्वाइन करते तो समरी सेटलमेंट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन दैट वॉज इम्पोज इन अवध वॉज द प्राइमरी रीजन वाई द तालुदार यू नो ज्वाइन द रिवोल्ट उसके बाद पीजेंट का क्या अगल था पीजेंट्स के बारे में अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम तालुकदार को हटाएंगे तो इनकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा लेकिन पीजेंट के साथ हुआ ठीक उल्टा तालुदार्स को तो हटा दिया लेकिन ये जो रेट्स थे जो लैंड रेट्स हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के दैट वॉज बेसिकली वेरी हाई थर्टी टू सेवेंटी परसेंट होता था एंड इतने यू नो रेट तो तालुकदार जब बीच में थे तब भी नहीं हुआ करता था तो इस तरीके से पीजेंट की जो समस्या है वो घटने के बजाय और बढ़ गई थी क्योंकि इंटरमीडियटीस तो हमें हटा दिया लेकिन ये जो रेवेन्यू रेट्स है रेवेन्यू टैक्स रेट है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया तीस से सत्तर परसेंट के बीच में वैरी करता था मतलब आप अगर सौ रुपए कमाते हैं तो आपको तीस से सत्तर रुपए के बीच में देना पड़ेगा तो ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं था मतलब कि आप समझिए कि थर्टी टू फोर सेवेंटी परसेंट अगर आप ले लेंगे तो आखिर किसान रहेगा किस पे सर्वाइव किस पे, किस पे करेगा उसके अलावा क्या था कि सारे तालुकदार ऑपरेसिव नहीं होते थे अगर ये आप माइंडसेट रखते हैं कि सारे ही जमींदार एग्रेसिव थे सारे ही जमींदार या तालुकदार एरोगेंट थे तो ऐसा नहीं है बहुत सारे तालुकदार मदद करते थे ज़रूरत के समय किसानों की बहुत सारे तालुकदार किसानों की जो है हेल्प करते थे द टाइम्स ऑफ नीड फेस्टिवल के समय शादियों के समय या इमरजेंसी के समय तो अगर तालुकदारों को पावरलेस कर दिया गया क्योंकि उनके पास अब जमीन ही नहीं है तो कहां से पीजेंट्स को हेल्प कर पाएंगे सो मेनी तालुकदार अर्लियर यूज टू हेल्प द पीजेंट्स इन नीड लेकिन जब वो पावरलेस गए समरी सेटलमेंट के बाद तो तालुकदार पावरलेस गए अब ये बेचारे किसान को हेल्प नहीं कर सकते इन द टाइम ऑफ नीड एंड किसान ब्रिटिशर्स के पास जाके नहीं बोल सकते कि सरकार हमारे बेटे की शादी है आप पैसा दीजिए या दिवाली आने वाली है हमें थोड़ा सा पैसा लोन पे चाहिए सो वो अब कहाँ जाएंगे पैसे मांगने के लिए या हेल्प मांगने के लिए तालुकदार तो हेल्प कर नहीं सकते क्योंकि वो खुद पावरलेस हो चुके हैं एंड ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगना दैट वॉज इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो इस तरीके से पीजेंट्स भी यू नो पीजेंट्स वेर ऑल्सो फोर्स टू जॉइन द रिवोल्ट सिपॉय को देखते हैं अवध से बहुत सारे लड़के बिंगल कैंटोनमेंट में जाते थे तो अवध वॉज कंसिडर्ड एज द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी नर्सरी मतलब यहाँ से बहुत सारे लड़के बंगाल की आर्मी में जाते थे चाहे वो बैरकपुर कैंटोनमेंट हो दमदम कैंटोनमेंट हो फोर्टी वन कैली हो बहुत सारे लोग वहाँ जाके सर्व करते थे तो अवध से पूर्वांचल से बहुत सारे लड़के ब्रिटिश आर्मी में खास करके बंगाल की आर्मी में सर्व करते थे उनके साथ क्या होता है शुरुआत में देखेंगे तो एटीन ट्वेंटीज़ तक अगर देखेंगे एटीन ट्वेंटीज़ तक एटीन ट्वेंटीज़ से जो अगर ब्रिटिश एंड सिपॉय के बीच ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सिपॉयज के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था दे बेसिकली यूज़ टू प्ले टुगेदर यूज़ टू शेयर देयर इमोशंस मेमोरीज लेकिन एटीन फोटीज़ के बाद ना क्या होता है ब्रिटिश ऑफिशियल्स थोड़े से रेसिस्ट हो गए वो जो सिपॉयज़ है उनके प्रति डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करने लग गया उनको मारने लग गया उनको सप्रेस करने लग गया उनको ह्यूमिलिएट करने लग गया सो फ्रॉम द एटीन फोर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश बेसिकली स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग द ह्यूमिलेटिंग द सिपॉइज एंड हमने देखा था कि सिपॉयज एंड पीजेंट्स के बीच एक क्लोज लिंक होगा क्यों क्लोज लिंक होगा क्योंकि सिपॉयज कहाँ से आ रहा है बंगाल आर्मी में जो मेजर सिपॉयज है वो कहाँ से आ रहा है अवध से आ रहा है एंड अवध में कौन है उनके बाप दादा पीजेंट्स हैं जो किसान है वो भी ब्रिटिशर्स से ऑपरेस्ट है एंड जो उनके लड़के हैं जो सिपाही बनके ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहा है वो भी ब्रिटिशर्स से ऑपरेस्ट है ये ब्रिटिश आर्मी से ऑपरेस्ट है ये बेचारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑपरेस्ट है तो इस तरीके से जो ग्रीफ था ना ये जो रेशियल एब्यूज का ग्रीफ सिपॉइज की तरफ से एंड ये जो प्रॉब्लम थी इनकी टैक्स की प्रॉब्लम पीजेंट्स की तरफ से ये एक्सचेंज होती है सिपॉइज देख रहे थे कि हमारे बाप दादा कोई भी आ, सप्रेस किया रहा एंड पीजेंट्स देख रहे थे कि हमारे लड़कों को भी जो सिपॉयज के काम कर रहा है बंगाल आर्मी में उनको सप्रेस किया रहा सो so, देन उसके बाद ये जो एक्सचेंज होता है ग्रीफ का ग्रीफ ऑफ रेशियल एब्यूज गॉट एक्सचेंज विद द पेन फेस्ड बाई दियर फैमिलीज इन द अवध जो सिपॉइज़ की फैमिली थी वो भी दिक्कत का सामना वो भी दिक्कतों का सामना कर रही है क्योंकि टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है अब नीट के समय ताल्लुकदार्स को हम अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो पावरलेस हो चुके हैं तो इस तरीके से सिपॉइज अपने घरों की स्थिति से रूबरू थे एंड पीजेंट्स अपने लड़कों की स्थिति से रूबरू थे जो अवध अवध से निकल के बंगाल आर्मी में सर्व कर रहे थे तो इस तरीके से पीजेंट्स या सिपाही कलेक्टिवली एक दूसरे के लिए इस रिवॉल्ट में जुड़ते हैं ताल्लुकदार्स भी जुड़ते हैं अपना रीजन था उनका सबरी सेटलमेंट पीजेंट्स भी जुड़ते हैं उनका अपना रीजन था एंड सिपॉइस का एंगल भी देखेंगे क्योंकि पीजेंट्स एंड क्लोजली कनेक्टेड जो किसान है उनके ही लड़के तो आर्मी में सर्व कर रहे हैं एंड जो सिपॉइज है उनके ही बाप दादा तो खेतों में काम कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कनेक्शन था वो एक्सचेंज होता है गिरीफ भी एक्सचेंज होती है दिक्कतें भी एक्सचेंज होती है एंड देन देर वॉज अ कॉमन काउस टू फाइट फॉर द रेबेलियन टू फाइट विद द ब्रिटिश नाउ दिस इज द रीजन वाई देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन अवध अगेंस्ट द फिरंगी राज की इसीलिए सारे ही तबके के लोग चाहे वो म्यूजिशियन हो आर्टिशियंस हो पोइट्स हो ऑफिशियल्स हो मैनेजर्स हो कोर्ट मैनेजर्स हो तालुकद हो पीजेंट्स हो सिपॉइस हो सारे ही लोग खड़े थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्यों क्योंकि सबके पास अपना अपना रीजन था सो दैट इज वाई देर वॉज अ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन अवध अगेंस्ट द फिरंगी राज इसके बाद अब देखते हैं कि ये जो रिवोल्ट है हमारा इसमें रेबल्स का विजन क्या था रेबल्स आखिर चाहते क्या थे वॉट द रेबल्स डिमांडेड आउट ऑफ दिस रिवोल्ट की उनकी डिमांड क्या थी आखिर उन्होंने जो इतना बड़ा रिवोल्ट लेट किया था जो पेशावर से लेके आप तो बंगाल तक चल रहा था तो इसके पीछे रीज़न क्या था वो क्या चाहते थे तो आपको सबसे पहले एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि रेबल्स के परस्पेक्टिव को हम जान नहीं सकते क्योंकि बहुत कम रेबल्स ज़्यादातर जो लोग हैं चाहे वो ताल्लुकदार हो पीजेंट्स हो सिपाहीज़ हो वो पढ़ लिख नहीं सकते थे तो रेबल्स परस्पेक्टिव इज स्लाइटली स्लाइटली अन टू अस बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ दैन कुट एंड राइट बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे बाकी जो चीज़ें हमें ज़्यादातर पता चलती हैं वो प्रोकलेमेशन के थ्रू पता चलती हैं इश्तिहार जो छपवाए गए थे उनके थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं सो so, इस्ति में अगर बात करी जाए तो विजन ऑफ यूनिटी को कोमसाइज करा गया है कि हिंदू एंड मुस्लिम को खास तौर पे यूनाइट होना पड़ेगा जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम फिरंगियों से लड़ नहीं सकते एंड दे बेसिकली ट्राई टू री एस्टोर द मुगल लड़ा वो बार बार हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए मुगल लड़ा को रेफर कर रहे थे कि जिस तरह की यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम में मुगल लड़ा में थी वैसे ही यूनिटी अभी आने चाहिए तभी हम इस ब्रिटिश पावर के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे सो प्रोक्लेमेशन कॉल्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी दे बेसिकली रेफर टू द मुस्लिम कल्चर हिंदू मुस्लिम कल्चर द को एक्जिस्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर इन मुगल कि कैसे एक घर हिंदू के हैं फिर बगल वाला घर मुसलमान का फिर बगल वाला घर सिख का तो इस तरीके की डाइवर्सिटी में यूनिटी आपको देखने को मिलती है मुगल में नाउ अगर आपने देखा होगा जब हमने ड्यूमर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो ड्यूमर्स है जैसे ऐसा ड्यूमर फैलाया गया था कि आटो आटो में जो हमारे बोन डस्ट है मिला दिए गए हैं गाय एंड सुअर के फिर जो हमारी काटरेज वाली बात है कि कारतूसों में गाय एंड सुअर की चर्बी से बने हुए आ, फैट की कोटिंग लगाई गई है तो ये सारी चीज़ें हैं ये हिंदुओं को भी अपील करती थी मुसलमानों को भी अपील करती थी इसीलिए अगर आप देखेंगे इसको ने एक तरीके का क्रूशियड एंगल देने की कोशिश करी कि ब्रिटिश क्रिश्चियंस को खिलाफ खास करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंदू एंड मुस्लिम एक होकर लड़े इसीलिए जो रूमर्स फैलाया गया वो जो र्यूमर्स थे वो हिंदुओं को भी इफेक्ट करते थे एंड मुस्लिमों को भी इफेक्ट करते थे आप देखिए जितने भी र्यूमर्स हैं उनमें हिंदुओं को भी हिंदुओं को भी इफेक्ट की जाने वाली बात बातें कही जा रही है एंड जो मुस्लिमों को अपील करे वो भी बात उसमें कही जा रही है सो दैट वॉज द थिंक की एक तरह से रिबल्स इसको क्रूशिएट का एंगल देने की भी कोशिश कर रहे थे ताकि हिंदू इसम यूनाइट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा सोर्स है जिसमें कि अगर आप पूरे सोर्स को पढ़ेंगे इतना टाइम नहीं है लेकिन आप अगर पूरे सोर्स को पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली सबसे पहले कहा गया कि कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं एंड उन्होंने हमें गुलाम बनाया सौ सालों के अंदर एंड लास्ट वाले लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा गया है इफ द रिलीजन ऑफ ए हिंदू और मुसलमान इज लॉस्ड देन वॉट रिमीन दिस वर्ल्ड की अगर हिंदू एंड मुसलमान का रिलीजन ही खत्म हो गया धर्म ही नष्ट हो गया तो इस दुनिया में बचेगा क्या इसीलिए हमें यहाँ पे कम से कम दो साल तक लड़ाई करनी है वी हैव बिन कम्पेल्ड टू मेक वॉर फॉर टू ईयर्स उसके बाद वो इस प्रोक्लेमेशन में आ, अपील की जा रही है सारे ही राजाओं नवाबों से कि आप इकट्ठे होके, के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो इकट्ठे हो आप दो सालों तक लगातार हम इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे एंड हमें सफलता ज़रूर मिलेगी सो so, आप सोर्सेज को पढ़ना ना भूलें तो इस तरीके से आप इस प्रोक्लेमेशन को देख सकते हैं जो कि बार बार ये एक्सरसाइज कर रहा है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा क्योंकि अब रिलीजन की बात आ चुकी है अब हमें सप्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे रिलीजन पे जब अटैक किया जाएगा तो हिंदुओं को मुसलमानों को अटैक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहिए देन उसके बाद जो अगर देखेंगे आप इस रिपोर्ट को क्लोजली डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि प्रोक्लेमेशन जो है ब्रिटिश राज से जुड़ी हर एक चीज़ को नकारता है चाहे वो मनी मलीलैंडर्स की बात हो चाहे वो ब्रिटिश मर्केंट्स की बात हो उनको ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का अलाई समझा जाता था वो ब्रिटिशर्स के दोस्त समझाते थे क्योंकि ब्रिटिश भी एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन देखे जा रहा है एंड रिच मर्केंट्स एंड मनी लेंडर्स भी लोगों के द्वारा एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन देखे जा रहे हैं इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बनिया सूद खोड़ों के भी घरों को जलाया जाता है उनको भी अटैक किया जाता है सो पीपल रिबेल अगेंस्ट द ऑल ऑपरेशन चाहे वो ब्रिटिश हो मनी लेंडर्स हो रिच हो सो so, इस तरीके से जो तो रिबल्स है अगर इनको कंक्लूड किया जाए इसके विजन को तो, तो वो बेसिकली ट्राइड टू यू नो री स्टोर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जब यूनाइट होके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे एंड सारे ही सिम्बल ऑफ ऑपरेशन खिलाफ चाहे मलिडर हो चाहे ब्रिज हो तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाएंगे एंड देन वी विल अचीव द फ्रीडम फॉर आवर सेल्फ एंड रीस्टोर द मुगल अडा सो इस तरीके की बात विजन्स इस तरीके की बात इश्तेहारों में कड़ी गई थी तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रेबल्स का विजन कुछ इस तरीके का रहा होगा अगेन हमारे पास रेबल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि रेबल्स बहुत बहुत ज़्यादा रहे, बहुत रिवर्स तो पढ़ी पढ़ लिख सकते ही नहीं थे एंड जो पढ़ लिख सकते थे तो उन्होंने ज्यादा बातें पब्लिक में आगे कही नहीं है नाउ अब ने हमने देखा था कि ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ हमारा मई में जब ये रिवोल्ट मई में, में शुरू हुआ मई जून तक तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थे ब्रिटिशर्स के लिए हमारे लिए तो एडवर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे थे दे वर बेसिकली डोमिनेटिंग द ब्रिटिश फोर्सेस तो मई जून एंड जुलाई के भी फर्स्ट आप तक देखेंगे तो सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ द रेबल्स तो रेबल्स क्या सोचते हैं कि अब तो हमें दस पंद्रह दिनों के अंदर क्योंकि ब्रिटिश आर्मी पूरी तबाह हो चुकी थी वो अपना रेनफोर्समेंट मंगा रहा था यूरोप से ये चीज रेबल्स को नहीं पता थी तो रेबल्स ने कि अब आर्मी इनकी कुछ बची नहीं है तो हम क्या करते हैं तब तक एक अल्टरनेटिव पावर बनाना शुरू करते हैं क्योंकि दस पंद्रह दिनों में तो ये ब्रिटिशर्स चले जाएंगे सो दे बेसिकली स्टार्टेड मेकिंग स्टार्टेड यू नो स्टाबलिशिंग द अल्टरनेटिव पावर तो सर्च जो था एक अल्टरनेटिव पावर के लिए वो शुरू हो गया तो इस सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली लखनऊ कानपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप किया गया ब्यूरोक्रेट्स नियुक्त किए गए ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं एजुकेशन द मैप दिल्ली में कानपुर में यहाँ पे कानपुर लखनऊ में यहाँ सब इस सब बड़े बड़े जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इस्टाब्लिश किया गया ऑफिशियल्स को नियुक्त किया गया एंड वो क्या का? चाहते थे कि मुगल लड़ा को हम वापस से रिस्टोर करें उस ज़माने में जैसे अपॉइंटमेंट्स मेड करी जाती थी वो यू नो फरमानों के जरिए उसको वैसे ही रिक्रूटमेंट करी जाने लगी एंड जो ऑफिशियल्स होते थे उनको रिक्रूट किया गया अपॉइंटमेंट्स वेयर मेड फॉर द ऑफिशियल पोस्ट ताकि हमारी जो सत्ता चलेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होनी चाहिए अधिकारी तो होनी चाहिए उसके लिए इनको रिक्रूट किया गया एंड ट भी किया गया कि हमें किस तरीके से सरकारें चलानी है एंड किस तरीके से लोगों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है एंड उसको फिर वार्ड एक्सपेंसेस के रूप में लगाना है क्योंकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पूरी तरीके से जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था मिलिट्री थी सारी चीजों को तबाह कर दिया जा चुका है तो जो भी चीजें हैं अथॉरिटी है सारे अथॉरिटी रेबल्स के हाथों में जुलाई के फर्स्ट हाफ तक उसके बाद से चीजें ब्रिटिशर्स के पाले में गिरना शुरू होंगी तो तब तक ब्रिटिश रेबल्स को ये लगा था कि अब तो हम सारी चीज़ें जीत ही चुके हैं तो हम क्या करते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करते हैं लोगों से एंड उससे हम क्या करेंगे वॉर एक्सपेंसिस को मैनेज करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे एंड अल्टीमेटली इनको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे लेकिन ब्रिटिशर्स उनसे ज्यादा चलाक थे उन्होंने चुपचाप री मंगा ली एंड जब री आती है तो अट्ठारह के दिसंबर तक आते आते या अठारह के अर्ली यू नो फर्स्ट थ्री मंथ्स में सारे ही सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रेबल्स को जितनी भी जगह पे ये अल्टरनेटिव पावर स्टैब्लिश करने की बात करी गई थी सारे ही स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाता है एंड दे बेसिकली रिकॉन्कर्ट द लैंड रिकॉन्कर दली रिकॉन्कर्ट यू नो लखनऊ री कॉन्कर्ट बंगाल रिकॉन्कर्ट अवध रिकॉन्कर्ट कानपुर रिकॉन्कर्ट पेशावर री कॉन्कर्ट अलख लाहौर तो सारी ही चीज़ों को वो फिर रिकॉन्कर कर लेंगे जब उनकी एक बार इन्फोर्समेंट आ जाती है क्यों होता है क्योंकि रेबस जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे पहली चीज़ दूसरी चीज़ के लिए पास इनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी सो लैक ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी वॉज अ प्राइमरी रीज़न बहादुर शाह दफर तो थे बट उनकी जो स्ट्रैटी थी वो उतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी तो इस तरीके से जब एक बार इनके री आ गई ब्रिटिशर्स की तो दे बेसिकली स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड अठारह अट्ठारह सौ के पहले फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी थी सो इन दैट वे द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पावर एंडेड शुरुआत करेगी दिल्ली लखनऊ एंड कानपुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बैठा के फिर अपॉइंटमेंट्स मेड किए गए चीज लोगों को रिक्रूट करा गया ऑफिसर्स को रिक्रूट करा गया वो और एक्सपेंसिस को मैनेज करने के लिए लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का स्ट्रक्चर बनाया गया एक हायर की क्रिएट uh, करेगी देन सारी चीज़ों पर पानी फेर देते हैं जब ब्रिटिशर्स अपना रीन फोर्स मंगा लेते हैं यूरोप से उसके बाद तो खैर रेस्ट हिस्ट्री एक सिलसिला शुरू होगा डोमिनेशन का उसको आगे देखेंगे हाउ द ब्रिटिश रिप्रेस्ट द रिवोल्ट कि डोमिनेट कैसे करता है ब्रिटिश उसके बाद तो शुरुआती के जो मई एंड जून एंड जुलाई का जो फर्स्ट हाफ था उसमें ब्रिटिशर्स वे वेरी वीक वो फाइट बैक नहीं कर पाते वो स्टंड थे दे देवेर स्टोनिश्ड कि आखिर ये हो क्या रहा है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी तो आप अगर आप देखेंगे उसके बाद रिप्रेस कैसे किया उन्होंने तो बेसिकली लॉस द डबल अटैक जब उनके पास री आती है ना जुलाई में जुलाई अगस्त में तो वो क्या करता? करते हैं डबल अटैक लॉन्च करते हैं डबल अटैक क्यों लॉन्च करते हैं अगर आप मैप यहाँ देखेंगे तो बेसिकली वो एक तो दिल्ली को कॉन्कर करना चाहते थे क्योंकि दिल्ली को सिंबल ऑफ पावर माना जाता था क्योंकि मुगल बादशाह वहीं बैठते थे तो दिल्ली को कैप्चर करना जरूरी था अगर रेबल्स के मोराल को डाउन करना तो दूसरी चीज अवध में सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी था तो एक जो सेना की टुकड़ी है वो लाहौर से निकलती है दिल्ली को कैप्चर करने के लिए एंड दूसरी जो सेना की टुकड़ी है वो दमदम कैलकटा से निकलती है अवध को अवध में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सो इन दैट वे डबल अटैक वॉर्ज लॉन्च बाई ब्रिटिशर्स एंड वो वॉर के साथ डिप्लोमेसी का भी सहारा सहारा लेते हैं पावर के साथ डिप्लोमेसी का भी सहारा लेते हैं उसको देखेंगे सो so, पावर में सबसे पहले क्या करते हैं मार्शल लॉ लगा दिया गया पूरे नॉर्थ में यानी कि मार्शल लॉ मतलब हमें अगर डाउट होगा तो हम सीधे गोली मारेंगे गोली मारेंगे मतलब रेबेलियन की जो सजा है वो अब मौत है हमें अगर डाउट होगा किसी भी लेवल के ऊपर तो वी विल जस्ट शूट हिम और हर एंड जो ब्रिटॉन्स थे जो सिविलियंस थे ब्रिटिश सिविलियंस आ रहते रह थे उनको भी स्पेशल पावर दी जाती है कि आप भी पनिश कर सकते हैं रेबल्स को अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल्स या मिलिट्री कमांडर कर सकते थे उसके अलावा जो ब्रिटिश सिविलियंस थे जो यहाँ ट्रेडर बन के आए थे यहाँ छोटे मोटे काम करते थे उनको भी ये पावर दी गई कि आप भी पनिश कर सकते हैं रेबल्स को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो देन डबल अटैक लॉन्च किया जाता है एक लाहौर से एक आर्मी चलती है एक आर्मी आप देखेंगे तो दमदम कैलकटा से चलेगी सो दैट वॉज हाउ द थिंग्स स्टार्टेड इन ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन एंड उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है पहले दिल्ली को कांकर किया जाएगा सेप्टेम्बर अट्ठारह सौ संतावन तक दिल्ली कांकर हो चुका था अवध में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अगेन रिबोल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था बहुत इंटेंस था तो अवध में चीज़ें लेट से नॉर्मलाइज होती है अगर कहें तो मार्च अट्ठारह सौ अट्ठावन तक इसको काउंकर किया जाता है तो सितंबर से मार्च तकरीबन छह महीने बाद दिल्ली को कांकर करने के छह महीने बाद अगर आप देखेंगे तो अवध कांकर होता एक तो ये पावर का सहारा था उसमें मार्शल लगाया गया दो तरफ से आर्मीज को रवाना किया गया डिप्लोमेसी में क्या करते थे आ, अंग्रेजों ने देखा कि ये जो रेबल्स हैं इनके पास पैसा कहां से आता है तो पैसा मिल ही आ रहा है बड़े बड़े तालुकदार से, जमींदारों के यहाँ जमींदार से में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है बहुत सारे जमींदार तो ब्रिटिशर्स के तरफ से ही थे लेकिन जो जमींदार या तालुकदार रिवोल्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी जमीनों को छीना था तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स उनको ऑफर करते हैं देखो तुम इस रिवोल्ट से बैकआउट कर जाओ एंड अपने पैसे आर्मी से वापस लेके निकल जाओ तुम्हें हमने तुमसे हमने जो भी चीजें वी विल ऑफर यू वी विल यू नो ग्रांट यू योर लॉस्ट स्टेट्स जो भी हमने चीजें तुमसे छीनी है वो हम तुम्हें वापस करेंगे बहुत ही इज्जत के साथ एंड हो सकता है कि कंपनसेशन भी हम तुम्हें दे बहुत सारे जमींदार मान जाते हैं लेकिन बहुत सारे जमींदार नहीं भी मानते सो फ्यू एग्रीड बहुत कम लोग मानते हैं एंड बहुत सारे जमींदार या तो यू नो लड़ाई लड़ाई में शहीद हो जाते हैं या दे बेसिकली फ्लेड आउट टू द नेपाल जब वो लड़ाई खत्म हो जाती है धीरे धीरे हम देखेंगे कि जून एटीन तक आते आते लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो जो जमींदार बच गए थे वो सीधे नेपाल चले जाते नेपाल भाग जाते हैं बहुत सारे लीडर्स नेपाल चले गए बेगम हजरत महल भी कहा जाता है कि नेपाल चली गई थी अनना साहब पेशवा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नेपाल चले गए थे इज़ाइलम सीख करने के लिए क्योंकि इंडिया में अगर रहा तो उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था सो so, अगर ये ऑफर किया गया डिप्लोमेसी के तहत लैंड लॉड्स को कि हम तुम्हें तो ज़मीनें वापस करेंगे तो बहुत कम लोगों ने इस ऑफर पर एग्रीमेंट दी थी क्योंकि उनकी सारी आर्मी इन सारी रिसोर्सेज तो पहले ही वॉर में लग गई है तो अगर वो अभी बैकआउट करेंगे तो उनकी जगह होगी होगी एंड वो एक तरीके से गद्दार माने जाएंगे एंड उसके अलावा जो तालुकदार्स यू नो रिवोल्ट कैरी आउट करते हैं वो या तो उनकी लड़ाई में मौत होगी या वो uh, नेपाल की तरफ भाग जाते हैं जैसे हमने बेगम हज़रत महल को देखा वो भी नेपाल में शरण लेती है अपने लड़के के साथ देन नाना साहब पेशवा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नेपाल गए थे यू you नो know, इस रिवोल्ट uh, के ख़त्म होने के बाद तांजा टोपे के साथ हालांकि एक कॉन्स्पिटी uh, रची जाती है और उनको फिर एग्जीक्यूट कराया जाता है देन अगर आप देखें तो यहाँ पे अवध की बिल्डिंग है शाह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्कल्स है ह्यूमन स्कल्स वो दिखाते हैं कि किस लेवल का मैसाकर हुआ होगा रेबल्स का आप देखें तो चारों तरफ हड्डियाँ लाशें बिखरी हुई हैं एंड एक अवध ऑफिसर बताते हैं अवध में लोग कितने ज़्यादा एंगड़ी थे तो कहते हैं कि अवध यहाँ पे अवध को ओड नाम से ओयूडी यू डी से इंडिकेट करा गया तो ये ऑफिसर जो है वो क्या कहता है कि ओड पीपल आर ग्रेजुअली प्रेसिंग डाउन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम नॉर्थ की वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को लगातार बर्बाद किया जा रहा है एंड ये जो है ये हमारी चीज़ों को मान नहीं रहे हम इन पर कितनी भी यू नो you know, गोलियाँ बरसाते हैं फिर भी ये इंटेंजिबल है मतलब ये हमें रिस्पॉन्स नहीं देते ये अपने ही आगे आ रहा है so, सो ये बेसिकली दे वर बेसिकली मूविंग विदाउट एनी डिले दे वर बेसिकली मूविंग विदाउट एनी ऑब्सटेकल सो द सिविल अथॉरिटीज़ रिपोर्ट दैट इज विलेजर टू अमाउंट टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ मैन विध ए नंबर ऑफ गन्स वो बताते हैं ऑफिशर की ये जो आ, इनके साथ कारवा है पूरा का पूरा रेबल्स का के उनमें बहुत सारे यंग लड़के भी हैं एंड जो यंग लड़के हैं उनके में उनके में उनमें बहुत सारे लोगों के पास अपने अपनी बंदूकें भी हैं तो ये रेबल्स से आगे चल कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ सकते हैं लेकिन ब्रिटिश हुकूत ज़्यादा जा, चालाक थी वो डबल अटैक लॉन्च करेगी लाहौर से एक तरफ से एक तरफ से दमदम से कैलकटा से एंड अल्टीमेटली अवध को कंट्रोल में लिया जाएगा दिल्ली को कैप्चर किया जाएगा सो दैट वॉज हाउ द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड नाउ लास्ट में हम देखते हैं पोर्ट्रायल ऑफ द रिवोल्ट की इस रिवोल्ट को पोर्ट्रे कैसे किया गया इस रिवोल्ट को लोग दिखाते कैसे हैं तो ये देखना जरूरी है कि इस रिवोल्ट को ब्रिटिश ऑथर्स ने कैसे पब्लिश किया ब्रिटिश यू नो राइटर्स ने कैसे लिखा एंड इस रिवोल्ट के बारे में नेशनलिस्टिक ऑथर्स या पब्लिशर ने कैसे लिखा पहली चीज आपको जाननी जरूरी है कि इस रिवोल्ट के बारे में तुरंत ही जो राष्ट्रवादी विचार के लेखक थे वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी अगर वो लिखते तो उनको भी मार दिया जाता तो सो so इनिशियली जो हमें पोट्रायल मिलता है इस रिवोल्ट का वो ब्रिटिश न्यूज एंड ब्रिटिश राइटर्स का ही मिलता है एक चीज़ आपको और जाननी जरूरी है कि रेबल्स के व्यू के बारे में रेबल्स के दृष्टिकोण के बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम इसलिए क्योंकि रेबल्स पढ़ लिख नहीं सकते थे एंड वो पब्लिकली बहुत कम अपीयर होते थे वो अपने काम में लगे रहते थे तो चूंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे एंड उस, जम, उस जमाने में कोई उनके बारे में लिख भी नहीं सकता था इतनी हिम्मत भी नहीं थी किसी के पास अगर कोई लिखता तो शायद उसको जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता इनिशियल सोर्सेज हमारे पास इस, इस रिवोल्ट को जानने के लिए वो या तो ब्रिटिश ऑथर्स ने लिखे हैं ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं या ब्रिटिश पब्लिशर्स ने अपने आप पब्लिश किया सो वेर आज अ लॉट हैज मिन रिटन डॉक्यूमेंटेड एंड पब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स अबाउट दिस रिवोल्ट की ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की तरफ से यूरोपियन ऑथर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिवोल्ट के बारे में लिखा गया है इस रिवोल्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करी गई है इस रिवोल्ट के बारे में पब्लिश करा गया है लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने प्रीजुडिस को उन्होंने अपने जो उनका बायसनेस था जो उनकी इंक्लानशन थी उसको भी लिखा है जाहिर सी बात है अगर ब्रिटिशर्स लिखेंगे रिवोल्ट के बारे में तो वो रेबल्स को एज अ टेररिस्ट ही लिखेंगे वो यही बताएंगे कि रेबल्स जो जिस यू नो जिस डिमांड के लिए लड़ रहे थे वो डिमांड टोटली अनजस्टिफाइड था एंड और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे लेकिन हम सारे ही पोट्राइल को देखेंगे पहले हम ब्रिटिश पोट्रायल देख लेते हैं जो फॉरन पोट्रायल हुआ उसके बाद लास्ट में हम नेशनलिस्टिक पोट्रायल देखेंगे कि कैसे नेशनलस्टिक लोगों ने नैशनस्टिक पोट्रायल बहुत दिनों बाद शुरू होगा जब स्थिति नॉर्मलाइज होगी एंड नैशनलिस्टिक मूवमेंट का दौर आएगा तभी लोग लिखना शुरू करेंगे कि आखिर ये हमारे लिए अठारह संतान की क्रांति है ये हमारा पहला वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस है ये सारी चीजें बाद में लिखी जाएंगी पहले शुरुआत में ब्रिटिशर थी ब्रिटिश ऑथर से लिखते थे क्योंकि उनको आजादी थी वो कुछ भी लिख सकते थे सो शुरुआत में देखते हैं हाउ डिड द ब्रिटिश प्रोट्रेड की ब्रिटिश ऑथर्स ब्रिटिश पब्लिशर या ब्रिटिश न्यूज पेपर्स के एडिटर्स ने किस तरीके से पोर्ट्रे किया सबसे पहले यहाँ पे आप देखें रिलीफ ऑफ लखनऊ जब लखनऊ को कैप्चर किया रहा था मार्च 1858 में तो इसको एज अ रिलीफ ऑफ लखनऊ के रूप में पोर्ट्रे किया गया कि यहाँ पे आप देखिए तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रेबल्स को भगा रहे हैं यहाँ से एंड इस तरीके से न्यूज़पेपर में ये चीज़ें छापी गई कि जब अंग्रेजों ने लखनऊ को कैप्चर कर लिया तो लखनऊ की जनता में रिलीफ आई लखनऊ की जनता में चैन की सांस ली क्यों क्योंकि रेबल्स उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए थे रेबल्स उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऑफ एन जो बाहर के न्यूज़ पेपर थे बाहर के पब्लिशर थे उन्होंने रेबल्स को ना ऐसा दिखाया कि वो क्रिश्चियन वुमेन स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश थी ब्रिटिश वुमेन होती थी उनको डिसऑनर करने की बात करते थे उनकी डिग्निटी को डिफाई करने उनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने की बात करते थे लाइक like, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेल है यहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाया गया है यहाँ पे रेबल्स आ रहा है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश क्रिश्चियन वुमेन है इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो रेबल्स हैं वो आ रहे हैं इनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनके इनको डिसऑनर करने के लिए लेकिन साइड में यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ईश्डा कंपनी की आर्मी भी आ रही है इन ब्रिटिश वुमेन को इस रिवोर्ट से बचाने के लिए तो इस तरीके से ये हेट्रेट फैलाने के लिए कि रेबल्स बहुत ख़राब कम्यूनिटी थी रेबल्स वुमेन को डिसऑनर करती थी खासतौर तौर तो पर ब्रिटिश वुमेन को उनकी डिग्निटी के लिए ख़तरा थे उनको डिसऑनर करने की कोशिश करते थे ये तो ऐसी खबर जब ग्लोबल मीडिया में फैलती तो सबको पता था कि जब ये ब्रिटिश रेसिडेंशल्स uh, इस बात इस खबर को देखेंगे इस ऐसी ऐसी तस्वीरों को देखेंगे तो वो रेबल्स के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे एंड वो फिर रिवेंज को सीक आउट करने के लिए आई नो सरकार पे दबाव बनाएंगे सो so बेसिकली आप अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट है यहाँ पे जो औरत है ब्रिटिश क्रिश्चन वोमन वो रबल्स के साथ सिंगल हैंडेडली लड़ रही है एक रेबल को उसने उन्होंने मार भी गिराया दूसरा तलवार लेके खड़ा सो so, ये चीज़ें इसलिए छापी जा रही थी ताकि रेबल्स का एक गलत इमेज बने ग्लोबल मीडिया में एंड ग्लोबल मीडिया में ऐसी इमेज जब बनेगी कि वो वुमेंस को डिसऑनर करने की बात कर रहे हैं उनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली रेबल्स के प्रति रिवेंज की भावना जागेगी एंड लोग जो बाहर के लोग थे लंदन के लोग हो गए नीदरलैंड्स के लोग हो गए वो सरकार के प्रति सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप रिवेंज लें आप रेबल्स को मारें उनको फांसी लटका दें उनको जलाए उनको तबाह करें सो so, इस तरीके से एक इंक्लाइशन के तहत एंड प्रॉपर स्ट्रैटजी के तहत प्रोपर चलाया गया था एंड इसने रेबल्स को एक तरीके से टेररिस्ट के रूप में प्रपोज किया इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन नाउ अब आप देखेंगे पोर्ट्रेल ऑफ टेरर एक ब्रिटिशर्स ने तो पहली बात रेबल्स को एक टेररिस्ट के रूप में पोर्ट्रे किया ही। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडियन न्यूज़पेपर में जो उनके यहाँ चलते थे भारत में उनके न्यूज़पेपर चलते थे उनमें टेररस को पोट्रे भी किया टेरर मतलब आतंकवाद को यहाँ पे आप देखेंगे वो चाहते थे कि अठारह सौ की क्रांति जो हुई है ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं हो दोबारा ऐसी घटना हिंदुस्तानी अगर कोई सोचना भी चाहे तो सोच ना सके क्योंकि हम अगर ऐसी चीजों को पोर्ट्रे करेंगे जहाँ पे आप देखें चार चार आठ चार बारह बारह ही को एक साथ एग्जीक्यूट करा जा रहा है सो आर एग्जीक्यूटेड कैन सी तो ऐसी चीज़ें अखबार में छापी जाती थी ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी रूह कब जाए एंड आगे चल के अगर कोई इस लेवल के रिवोल्ट को शुरू करने की सोचेगा तो ऐसी तस्वीरें उसके दिमाग में हावी हो जाएंगी इसके अलावा ऐसी भी तस्वीर छापेंगे जिसमें आप देखेंगे ये पेशावर का इलाका है मेरा पहाड़ आसपास देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ऐसी भी तस्वीर है इसी इलाके में इसी सीम स्पॉट पे पर यहाँ पे तोप के आगे रहे बस को टांग के उनको फिर तोप से उड़ाया जा रहा ऐसी तस्वीरें जान के छापी जाती थी अखबारों में ताकि ये जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके उनमें उन डर बस उनमें एक तरीके से डर स्टोर हो सके एंड फिर वो अगर इस तरीके के रिवोल्ट को करने की सोचेंगे इस तरीके के रिवोल्ट को शुरू करने की सोचेंगे तो दे विल थिंक ट्वाइस नॉट ट्वाइस थ्राइस नॉर्थ थ्राइस बट द हंड्रेड टाइम्स उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टोरियल है द मोकड़ी ऑफ क्लीमेंसी लॉर्ड कैनिंग जो है वो बेसिकली रेबल्स के प्रति थोड़ा सा सिम्पथेटिक हो गए थे तो इसको ब्रिटिश मीडिया खास करके लंदन के जो न्यूज़पेपर है वो ऐसे आ, यू नो पोर्ट्रे करते हैं कि ये जो लॉर्ड कैनिंग है वो रेबल्स के साथ सिम्पथेटिक होके खुद ही अपने ही पेट में छूड़ा घुफवा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे एक रेबल को पोर्ट्रे करा गया है रेबल्स की आउटफिट ऐसी ही हुआ करती थी कहा गया है यहाँ पर आप दिखा रहा है यहाँ पर दिखा रहा है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो रेबल्स को आ, यू नो अपना दे रहा है उसके सर पे हाथ रख के एक हाथ में तलवार एंड एक हाथ में जो ये येबल है ये जो है वो एक हाथ में तलवार एंड एक हाथ में डैगर लेके खड़ा है कि जब भी मौका मिलेगा मैं इस लॉर्ड कैनिंग को मर्डर कर दूंगा इसको एसेसिनेट कर दूंगा सो दैट वॉज हाउ द द्लीमेंसी ऑफ लॉर्ड कैनिंग वॉज मॉक्ड बाई द लंदन न्यूज अब हमने ये देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से रिवोल्ट को पोर्ट्रे किया फ्रॉम द रिलीफ ऑफ लखनऊ की लखनऊ में जब ब्रिटिश सेना जाकर रिकॉन्कर करती है तो लोगों में चैन की सांस आई वो रबल्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे दैन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि रबल्स जो हैं वो ब्रिटिश वुमेन की डिग्निटी के लिए खतरा है वो उनको डिसऑनर करने की कोशिश करते हैं इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी मारा जाए उनको काट के खत्म किया जाए फिर पोर्टल ऑफ टेरर ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ऐसी तस्वीरें इंडियन न्यूज़पेपर में छापी ये तस्वीरें बाकी ये जो है मौकरी वाली चाहे ब्रिटिश वुमेन को डिसऑनर करने वाली वो तो लंदन में छापे जा रहे थे क्योंकि वहाँ छापेंगे तभी तो लोग वहाँ पे यू नो सेंसेशनल अभी तो लोग वहाँ पे रिवेंज के लिए प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर दैट वाज अ सिनेरियो टेरर को पोट्रे किया जाता है यहाँ पे आप देखिए तो एग्जीक्यूशन को दिखाया जा रहा फिर यहाँ पे हमने बताया था कि इसी सेम स्पॉट पर पे, पेशावर में ही यू नो you know, तोप के आगे रबस को टांग के उड़ा दिया गया था तो इसको भी पोट्रे किया जाता है देन द मोकड़ी ऑफ क्लेमेंसी अब देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस रिवोल्ट को कैसे पोट्रे किया तो नेशनलिस्ट चूंकि बहुत दिनों तक तो कुछ लिख नहीं पाते है इस रिवोल्ट के बारे में बाकी जो लिखते हैं जब लिखने का दौर शुरू होता है तब नेशनलिस्ट ने रेबल्स को जो विद्रोही थे उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं एंड उनकी हीरोइज़्म को उनकी ब्रेवरी को प्रेज़ किया गया एंड कई लोगों ने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मूवीज भी बनी हैं जिनमें कि कुछ जो हमारे डबल्स हैं डबल लीडर्स हैं झांसी की रानी उनको प्रेज़ किया जा रहा है नाना साहब पेशवा को प्रेज़ किया जाएगा तांत्या टोपे को प्रेज़ किया जाएगा एंड बहुत सारे लोगों ने तो इस अट्ठारह की क्रांति को एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस का कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए ये हमारी पहली लड़ाई थी जो हमने कलेक्टिवली लड़ी थी पहली बार इस टर्म को विनायक दामोदर सावरकर ने अपॉइंट किया था कि वो कहते हैं कि अट्ठारह सौ की जो क्रांति है वो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस है तो इस तरीके से इस तरीके से अगर कहे तो हर एक नेशनलिस्टिक चीज़ों में चाहे वो मूवीज़ हो चाहे वो किताब हो चाहे वो न्यूज़ हो उसमें जो रेबल्स थे उनको एज अ फ्रीडम फाइटर पोट्रेट किया गया एंड उनके ब्रेवरी को प्रेज किया गया उनकी बहादुरी को इनके हेरोजम को प्रेज किया गया एंड इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया गया तो इस तरीके से हमने शुरुआत करी वो रिवोल्ट कैसे शुरू होता है हमने बहुत सारी चीजें देखी प्राइमरी रीजन देखा फिर देखा कि कैसे लीड करते हैं लोग इसको लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा उसके बाद हमने देखा कि रूमर्स एंड प्रोफेसिज का क्या रोल था फिर हमने अवध के सीनारी को समझा सब्सिडरी अलायंस को समझा फिर अवध को कैसे इनैक्स किया जाता है उसको समझा फिर तालुकदार्ज के एंगल को देखा पीजेंट के एंगल को देखा सिपॉइज के एंगल को देखा फिर हमने देखा कि कैसे डिवोल्स को सप्रेस करने का दौर शुरू होता है लाहौर से आर्मी रवाना की जाएगी एंड एक आर्मी कैलकटा से रवाना की जाएगी एंड डबल अटैक लॉन्च किया जाता है डिप्लोमेसी का सहारा कैसे लेते हैं वो हमने देखा फिर बीच में हमने ये भी देखा था कि जो डबल्स है ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि वो एक अल्टरनेटिव पावर अल्टरनेटिव अथॉरिटी को बसाने में लग गए थे लखनऊ में दिल्ली में कानपुर में एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बसानी शुरू कर दी थी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाना शुरू किया जा चुका था उनको फरमान भेज के अपॉइंटमेंट मीट किए जाते थे एंड उसके बाद कैसे सारी चीज़ों को सारे स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया जाता है वर्स ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रिप्रेसिंग द रिवोल्ट वो सारे ही स्ट्रक्चर को जिसको भी लेवल्स ने बसाया था जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे जिसको लेवल्स ने बनाया था सारे ही स्ट्रक्चर्स को तबाह कर देते हैं दिल्ली में जो स्ट्रक्चर था कानपुर में जो था लखनऊ में जो था सारी चीज़ों को तबाह किया जाता है एंड सारे ही जगहों को फिर से रिकॉर्व करके आता है यानी कि जून 1858 तक आते आते सारी ही चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी तो एक सालों का ये सिलसिला चलता है एंड सारी चीज़ें अल्टीमेटली नॉर्मलाइज हो जाती है हमने पोट्रायल भी देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे पोट्रे करते हैं पहले तो ये दिखाते हैं कि लखनऊ में जब सीज होता है तो लखनऊ की जनता बहुत यू नो चैन की सांस लेती है फिर ये दिखाते हैं कि रेबल्स जो है महिलाओं के लिए ब्रिटिश क्रिश्चन वुमेन के लिए खासतौर पर ब्रिटिश वुमेन के लिए उनके डिसऑनर के लिए उनके डिग्निटी के लिए खतरा उनको डिसऑनर करने के लिए आते हैं फिर हमने ये देखा कि नेशनलिस्ट किस तरीके से पोर्ट्रे करता है रिवोल्ट को वो फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा देते हैं रेबल्स को एंड कहते हैं कि ये जो हमारा एटीन फिफ्टी का रिवोल्ट है वो विद्रोह नहीं है वो हमारा पहला यू नो स्वतंत्रता संग्राम है नाउ हमने सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी डिटेल में डिस्कस करा लास्ट में आखिर में हमारा आते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर वन मार्कर्स में पूछे जाए क्वेश्चंस तो आप इसको मिस ना करें सबसे पहले सिपाही सिपाही क्या था ब्रिटिश मिलिट्री में जो इंडियन सोल्जर्स काम करते थे चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो नो मैटर लेकिन उनको सिपाही कहा जाता था रेसिडेंट क्या होता था रेसिडेंट मतलब सब्सिडी लाइन्स के तहत हमने देखा था कि ब्रिटिश जिस स्टेट के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे वहां पे वो अपना एक एम्बेसडर रखते थे राजदूत कह ले तो उसको रेसिडेंट कहा जाता था रेसिडेंट का ये काम था कि आप वहाँ पे ब्रिटिश इंटरेस्ट की रक्षा करें ये चीजें देखें कि कोई भी जो स्टेप है वो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जा रहा एंड ये भी चीज़ें उसमें प्रोविजेंड थी कि जो ब्रिटिश रेसिडेंट है उसे पूछे बिना जिस स्टेट के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया है वो स्टेट ना तो किसी वॉरफेयर में इंगेज हो सकता है ना ही किसी अन्य देश के साथ अपने फॉरन रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकता है उसके बाद बेल ऑफ रूम होता था, था जहाँ रखे जाते थे देन न्यूटनी न्यूटनी हमने देखा था एक कलेक्टिव डिफाइंस ऑफ रूल मतलब अगर uh, जो सुप्रीम ऑर्डर है मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आया है उनको अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मानते हैं मानने से इंकार कर देते हैं तो वो एक न्यूटनी का फॉर्म ले लेती है दैट इज बेसिकली द बगावत बगावत मींस कोई ऑर्डर है उसको हमने नहीं माना तो उसको बगावत कहते हैं इसको करने वाले को हम लोग बागी कहते हैं एंड ये जो म्यूटनी ऑफ एन आर्म फोर्सेस के संदर्भ में ही यूज किया जाता है इस वर्ड को रेबेलियन हमने देखा था रेबेलियन या रिवोल्ट का रेबेलियन या रिवोल्ट मतलब जब ये म्यूटनी रेवलियन में तब तब्दील तब हो गई जब बहुत सारे सिविलियंस इससे जुड़ते हैं एंड वो एक जन संघर्ष करते हैं एक स्टैब्लिश अथॉरिटी को हटाने के लिए सो इट रेफर्स टू एन अपराइजिंग ऑफ पीपल जन संघर्ष लोगों का क्यों एक स्टाब्लिश अथॉरिटी को हटाने के लिए जो कि पावर में बैठी हुई है जो कि हमने देखा एज ए न्यूटनी शुरुआत हुई थी कि हम गाय एंड सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को दांत से नहीं खोलेंगे धीरे धीरे ये रेवेली में तब्दील हो गया कि लोग जब बाकी बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं बहादुर शफर को नेता घोषित किया जाता है रीजनल रिवोल्ट शुरू होते हैं झांसी में अलग कानपुर में अलग बिठूर में अलग आप कह तो जगदीशपुर में अलग लखनऊ में अलग पिशावड़ में अलग लाहौर में अलग कलकत्ता में अलग तो ये सारी जो चीजें हैं इससे क्या होता है कि ये रिवोल्ट में तब्दील हो चुका था अब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिरंगी राज को उखाड़ने के लिए खड़े हो चुके थे एंड लास्ट में फिरंगी में इस एक टर्म होता है जो कि फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स में बेजत करके लाइक समझे फिरंगी इज़ अ डेरोगेटरी टर्म यूज़ टू जी डिजाइनेट द फॉरेनर्स फॉरेनर्स जरूरी नहीं कि वो ब्रिटिशर्स ही सारे लोगों के लिए फ्रेंच के लिए भी आप फिरंगी यूज़ कर सकते हैं पोर्चुगीज़ के लिए डचों के लिए डैनिश के लिए भी फिरंगी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जो वर्ड है ये ऑफ एंड डेरोगेटरी टर्म यानी कि उनको एम्बेस करने के टर्म में उनको उनको बेजत करने के टर्म में यूज़ किया जाता था दैट वॉज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स सिपॉय से लेके रेसिडेंट से लेके बिल फार्म से लेके मूटिन से लेके रिबोर्ट से लेके फिरंग से लेके सारी चीजें हमने देख ली हमने शुरुआत करी थी पैटर्न ऑफ रेबेलियन के साथ कि कैसे रेबेलियन शुरू होता है 10 मई अट्ठार को एंड जून अठारह तक आते आते सारी चीजें नॉर्मलाइज थी अब आपके लिए इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने दे दिया वहाँ जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं